तो हेलो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो हमारा पार्ट टू है वो पार्ट वन का ही कंटिन्यू है, जो अभी मैंने आज ही अपलोड किया है, तो आप उसको देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको देखे होंगे, नहीं देखे हो तो उसको कैसे भी करके फास्ट एंड फास्ट फॉरवर्ड करके आप उसको जरूर देख लें, ठीक है। तो हमारा ये जो पार्ट टू है वो स्टेट्स का है, पार्ट टू वीडियो होने वाला है, और वो जो था वो पार्ट वन था। मैंने कोशिश किया था कि पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों साथ में रिकॉर्डिंग कर लूँ, बट रिकॉर्डिंग में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, इस वजह से मैंने उसको पार्ट टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टेट्स का पार्ट टू। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? स्टेट्स का पार्ट टू स्टार्ट करने वाले। सबसे फर्स्ट सेक्टर जो होगा वो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्टेट टू स्टार्ट करने वाले, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते कि कल आपकी एग्जाम है। तो कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी सारे एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन, और जो भी जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, विच इवेंट इज गिवन बाई अ स्पेशल सबसेट फाई ऑफ द सैंपल स्पेस यू। क्या बोला है? विच इवेंट इज गिवन बाय स्पेशल सबसेट फाई। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो चार ऑप्शन है इन चारों में से कौन सा इवेंट ऐसा है जिसको हम बेसिकली फाई से डिनोट करते हैं, राइट। तो इसको हमें एक्सप्लेन करने से, मतलब आंसर बताने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देता हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी आंसर क्या होगा हमारा? इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये तो हमें पता ही चल गया है कि आंसर क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन एक काम करते, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट क्यों होता है और इम्पॉसिबल इवेंट होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द स्पेशल सबसेट फाई और सिर्फ ब्रैकेट और द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है इज एन इवेंट विच नेवर ऑकर्स, मतलब ऐसा कोई इवेंट है जो कभी होगा ही नहीं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड एंड टेल ऑन अ बैलेंस कॉइन इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब ये बोला कि एक ही सिक्के पे दोनों एक साथ मिल जाए और वो भी बैलेंस कॉइन पे, वो पॉसिबल नहीं है। अमिताभ बच्चन का सिक्का है तो वो सोले वाला सिक्का होगा तो बात अलग है कि हेड हेड मिल जाए, टेल टेल मिल जाए, बट हमारा जो बैलेंस कॉइन होता है उसमें या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, राइट। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट का, मतलब जो कभी होगा ही नहीं। जैसे आप कभी लूडो खेले हो तो लूडो में पता है कि जो हमारे पास पासा होता है जिसको डाइस बोलते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 होता है, मतलब 6 तक, 1 से 6 नंबर तक हो जाए। तो कभी ऐसा होता है कि तुम पासा फेंको और तुम्हारा 7 नंबर आ जाए? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसको हम क्या बोलेगा? इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, What is the value of A intersection A dash for event A and A dash? अब पूछा है कि find out करो भाई A dash intersection, sorry, A intersection A dash की value क्या होगी? एक दो event है जब A और A dash event है, right? तो इसका answer क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर वन का, राइट। तो एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि एक यू है सैंपल स्पेस। यू क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 एंड 6, ध्यान से सुनना। U 1 2 3 4 5 6 है और उसमें एक इवेंट है A, और A की वैल्यू है 1 2 3। क्लियर है? A की इवेंट क्या है? 1 2 3। अब क्वेश्चन में पूछा है A इंटरसेक्शन A डैश, क्या पूछा है? A इंटरसेक्शन A डैश। तो पहले मैं A डैश फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो A डैश क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा U माइनस A। U माइनस A का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 5 एंड 6। क्या बचेगा? 4 5 एंड 6। क्लियर है? अब पूछा है A डैश इंटरसेक्शन A, सॉरी A इंटरसेक्शन A डैश क्या होगा? A की वैल्यू क्या है? 1 2 3 इंटरसेक्शन, A डैश की वैल्यू क्या है? 4 5 6, राइट। और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, यहाँ पे ये जो वर्ड इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, राइट, इसका मतलब होता है कॉमन। सिंपल लैंग्वेज में याद क्या रखना है? कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो मेरा क्वेश्चन है क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। इट मींस कि जो हमारा आंसर होगा वो जीरो होगा या तो फाइव होगा, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें से कुछ भी कॉमन निकले। तो चलते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन में आंसर क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ए इंटरसेक्शन ए डैश फॉर इवेंट ए एंड ए डैश? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीरो। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर एनी इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। अब ये बोला है कि किसी भी इवेंट के लिए इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। तो एक बात याद रखना, किसी भी इवेंट की जो होने की पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है, और ना होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 0 हो सकता है, मतलब 0 और 1 के बीच में। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया जिसका आंसर 0 आया, राइट, ये हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1। सो इट मीन्स कि जो हमारा आंसर होगा वो बिटवीन 0 टू 1 होगा, जो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेंशन है। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं, हमारा क्वेश्चन है ये वाला।
अब हमारा आंसर क्या होगा, तो जीरो से वन के बीच में है ना, तो आंसर हो जाएगा ये जीरो लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू वन। याद रखना, देखो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है लेकिन ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन वन, पी जीरो लेस देन पी ऑफ ए ग्रेटर देन वन, यानी वन से जीरो से छोटा हो सकता है पर एक से बड़ा होगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी, जीरो से बड़ा होगा और एक से भी बड़ा होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्लियरली तुम्हें एक्सप्लेन किया कि जीरो और एक के बीच में, यानी जो पी ऑफ ए की वैल्यू होगी वो जीरो से ज्यादा होगी लेकिन एक से छोटी है, एक के इक्वल भी पॉसिबल है, एक के इक्वल भी पॉसिबल है। उसको कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे जो देखोगे तो ग्रेटर देन के नीचे अंडरलाइन, सॉरी ये लेस देन के नीचे यहाँ पे देखोगे ऐसे अंडरलाइन होता है, राइट, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर एनी टू इमेज। अब यहाँ पे मैं बता दू, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट ट्रू, क्या लिखा हुआ है, नॉट ट्रू। अब इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी इन द सैंपल स्पेस यू वेयर ए सबसेट बी, जहां पे ए क्या है, बी का सबसेट है। अब पूछा है कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा ध्यान से समझना। तो इसको एक बार काम करते, स्टार्ट करते सबसे पहले नीचे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर, ए सबसेट बी ऐसा क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, ए सबसेट बी, मतलब कोई ऐसा इवेंट है जिसमें ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो जब ए बी का सबसेट है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ ए यूनियन, यूनियन में वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, यानी सेम जो ऊपर लिखा था, और ए में मैं लिख देता हूँ टू एंड थ्री, और बी में लिख देता हूँ टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, एज पर द क्वेश्चन ये राइट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब जो ए में वैल्यूज हैं वो बी में भी है, या इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं ए की सारी वैल्यूज जो है वो बी में है। क्लियर है, इसको बोलते हैं सबसेट। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले ऑप्शंस में क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी, तो पहले सॉल्व करके चेक कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में जो कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब हो जाएगा टू एंड थ्री, ये फर्स्ट वाला हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब बोला था कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी, तो क्वेश्चन में चेक करो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी पॉसिबल है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ये पूछा था क्या ये पॉसिबल है, तो हमारा जो आंसर आया वो टू थ्री आया है, बट बी में तो है टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, तो क्या ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि डायरेक्टली अगर देखने जाए तो हमारा आंसर मिल गया, और आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा था विच इज नॉट ट्रू। क्लियर है, याद रखना पूछा था विच इज नॉट ट्रू। अच्छा दूसरा भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, क्या ये पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है हम लोग ने, यहाँ पे क्या ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, क्या ये पॉसिबल है, तो ए इंटरसेक्शन बी है टू एंड थ्री, राइट, और पी ऑफ ए भी कितना है टू एंड थ्री, इट मीन्स कि ये पॉसिबल है, राइट, मतलब ये वाला राइट है। उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है, ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन पी ऑफ ए, डेफिनेटली ए यूनियन बी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया मैंने ए यूनियन बी का मतलब क्या था, दोनों जो भी है सब लिख दो, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो, बट दोनों का कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट, मैंने लिखा टू एंड थ्री, यहाँ से मैंने टू एंड थ्री लिख दिया, तो टू एंड थ्री इसमें भी, तो इसको मैं कट कर दूंगा, फिर बचा गया फोर फाइव एंड सिक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर फाइव एंड सिक्स, तो ये हो गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन पी ऑफ ए, ऐसे कुछ लिखा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है, सिर्फ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इट मीन्स इट इज राइट, राइट, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू का, तो ये बात सच है कि ग्रेटर देन तो है ही है, ए यूनियन बी टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो मतलब ग्रेटर देन हुआ कि नहीं हुआ, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी माइनस ए और पी बी, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए, तो जैसे दो प्रूव हुआ वैसे भी ये भी हो जाएगा, बी माइनस ए जो है ये डिफरेंस इवेंट है, तो बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी, चलो मैं लिख देता हूँ, बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, ये हो जाएगा फॉर्मूला, और पी वी माइनस पी ए डायरेक्टली कर देना। ओके, तो इसका एक जगह लिखा भी हुआ है, वो भी रूल मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने एक्सप्लेन किया अभी तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो पेज नंबर 17 है, ध्यान से सुनते जाना जो मैं पेज नंबर बोलते जाता हूँ, पेज नंबर 17 है, लेकिन इसमें मेरा जो पीडीएफ है उसमें शायद 20 हो सकता है,
नहीं हाँ 21 है। तो यहाँ पे देखोगे तो अगर लिखा हुआ है ए सबसेट फॉर टू इवेंट्स, देखो लिखा ना कहाँ गया, हाँ ए सबसेट बी फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी इन द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन पी ऑफ ए लेस देन पी ऑफ बी, जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया ए सबसेट बी का है तो ए छोटा ही होगा डेफिनेटली, और यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है? यानी ये दो रूल तो हमने देख लिया कि डायरेक्टली लिखा हुआ है, बाकी का मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है इतना? तो चलते हैं अभी बाकी आगे के क्वेश्चन में, ज्यादा टाइम नहीं देते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब पूछा है व्हाट इज अदर नेम ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन, तो इसका आंसर हो जाए मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो ये तो तुम्हें याद होना चाहिए कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ये बुक में क्लियरली मेंशन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एच एंड टी ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टोसिंग अ हेड सॉरी टोसिंग अ बैलेंस कॉइन इज नॉट ट्रू। ये पूछा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा पॉसिबल नहीं है। क्या बोला है कि इन चारों में से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो अगर ध्यान से देखोगे भी चारों में से कौन सा पॉसिबल नहीं है, एक बात देखो पी ऑफ ये जो हमारे एक कॉइन है, अगर जब तुम टॉस करोगे बैलेंस कॉइन ना, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, दो रिजल्ट मिलेगा, एच मिलेगा या तो टी मिलेगा। क्लियर है? या तो एच मिलेगा या तो टी मिलेगा। अगर बात करते हैं हमारा जो पी ऑफ ए इवेंट है उसको मान लेते हैं हेड आने की, ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड की प्रोबेबिलिटी है एक, यानी एक बार है कि नहीं है। और अगर मैं पी ऑफ बी को एज्यूम कर लेता हूँ टेल, राइट, क्या एज्यूम कर लेता हूँ टेल, ओके, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, एक बार तो है ही है ना। क्लियर है? यानी इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी एक बार है और इसकी प्रोबेबिलिटी वो भी एक बार है, और टोटल हमारा कितना है, टोटल है टू, राइट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 1/2 का मतलब ये हो जाएगा 0.5 और ये भी क्या हो जाएगा 0.5। क्लियर है? इट मीन पी ऑफ एच ये 0.5 ये भी राइट है, पी ऑफ टी 0.5 ये भी राइट है। क्लियर है? अब अगर दोनों का एडिशन करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, लाइक 0.5 प्लस 0.5, यानी पी ऑफ ए, ध्यान से सुनना, पी ऑफ ए को प्लस करो और पी ऑफ बी को प्लस करो, तो पॉसिबल क्या होगा, 0.5 प्लस 0.5 यानी आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? यानी आंसर क्या होगा, पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ टी इज इक्वल टू 1, बट कभी भी इनका इंटरसेक्शन जो है वो 0.5 पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे हेड और टेल में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, P of P H intersection T is equal to 0. Okay, now the next question. Next में क्या लिखा है, which random experiment from the following random experiments has an infinite sample space? बोला infinite sample space होगा इन चार options में से। तो number one में लिखा है throwing two dices. जब two dices को throw करोगे, dices में कितने sides होते हैं, तो total 6 side होते हैं, और हमने पढ़ा अगर हम two times को throw करें मतलब दो results आ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 6 power of 2, यानी ये हो जाएगा 36, राइट right? उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा है, सिलेक्टिंग टू इम्प्लॉइज फ्रॉम एन ऑफिस। तो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है दो इम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना है, और मान लो कि एक ऑफिस में मैक्सिमम 100 लोग काम करते हैं, हालांकि 100 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, चलो लिख ही लेते हैं 100 लोग काम करते हैं, राइट right? तो 100C2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100C2। उसके बाद लिखा है टू मेजर द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब लाइफ का जो बल्ब है उसका, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो लाइफ होता है वो कितना होता है पता नहीं है, लेकिन सिलेक्ट कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड, एक वन कार्ड सिलेक्ट करें 52C1। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट और ये वाला, इन तीनों को हम काउंट कर सकते हैं, दे आर फाइनाइट फिक्स है, बट द टू मेजर द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम कितना काउंट करोगे, राइट, ये तो एक्सपेक्टेशंस के बेस पे चलेगा ना भाई, इतना चलता है इतना हो सकता है, बट हमें फिक्स नहीं होगा, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकता है, मतलब जो डिस्क्रीट वैल्यू होता है ना वो नहीं ले सकता, कौन सा वैल्यू है कंटिन्यूस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई नॉर्मली जो बल्ब है वो मेरे यहाँ तो 6 से 7 महीने चल जाता है, एक साल से 1.5 साल चल जाता है, हम ऐसा बोलते हैं, बट ये नहीं है कि एग्जैक्टली 1 साल चल जाता है, ये 365 दिन चलता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यू देन व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स ए एंड ए डैश। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू देन व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स आर ए एंड ए डैश। अब पूछा है भाई तो कौन सा इवेंट होगा, तो सिंपल सा ध्यान से समझो कि यहाँ पे ए डैश वर्ड यूज किया है और यहाँ पे ए वर्ड यूज किया है। अभी ऊपर देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था ए डैश वाला, राइट, ए डैश क्या है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को लेके चल लेते हैं, ए डैश में क्या आया 4, 5, 6 आया है, राइट, 4, 5, 6 आया है, और ए में क्या है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6,
अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, इनका यूनियन क्या होगा, यू के इक्वल होगा, तो दोनों का यूनियन कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 5 6, तो ये किसके इक्वल हो गया, यू के इक्वल होगा, तो ये राइट है। बट अब पूछा है कि कौन सा इवेंट है, तो ए और ए डैश, ये कौन सा इवेंट है, ए और ए डैश एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री इवेंट्स है, कौन से इवेंट्स है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या कंप्लीमेंट्री, जो भी आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन डिफाइन नहीं करते आपको, सो कभी ये सोचना मत। इवन समटाइम्स मैंने ये देखा है कि लोग है ना, कोई अगर गलत प्रोनाउंसिएशन करता तो लोग उसके हंसते, इवन मेरे ऊपर भी कई बार ऐसा हुआ है, बट वन थिंग आप एटलीस्ट कोशिश करो, ट्राई करो, दूसरा तो ट्राई भी नहीं करता है, और हंसने वालों का तो काम है हंसते रहना, राइट, तो उनको इग्नोर करो, आप अपने हिसाब से स्टडी करते रहा करो, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि ए डैस जो है वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ही डिफाइन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए एंड पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, देन व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स ए एंड बी आर। अब पूछा है कि एक्सप्लेन करो भाई ये कौन सा इवेंट होगा, अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कौन सा इवेंट होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पेज नंबर 37 पे, वहां पे काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वहां पे लिखा हुआ है, तो मेरा पेज नंबर 37 जो बुक में है वो पेज नंबर 37 है, और यहाँ पे मुझे 40 लिखना पड़ेगा, शायद 40 पर हो, नहीं आया, हाँ 41 पे है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक लिखा हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए डज नॉट चेंज ड्यू टू ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी, मतलब किसी के होने ना होने का फर्क किसी और के होने ना होने पे ना पड़ता हो, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, क्लियर है, मेरे पढ़ने ना पढ़ने का तुम्हारे पढ़ने ना पढ़ने पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तब तुम्हारा कुछ होगा, बात समझ में आए, तो हम दोनों क्या है एक दूसरे के मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब मेरा अलग है तुम्हारा अलग है, तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा एक्चुअली, तो क्या याद रखना पड़ेगा, जैसे P of A will be A by B और P A by B dash in the same way, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, the same way P of B is equal to B by A and B A dash, क्लियर है। अब सिंपल याद कैसे रख सकते हो, तो याद ऐसे रखो कि यहाँ पे पहले क्या लिखा ए, तो सब में पहले क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, यहाँ पे पहले क्या लिखा बी, तो सब में पहले क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, राइट, सो द इवेंट्स आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्लियर है। यहाँ पे प्रॉपरली क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये पॉसिबल है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बाई बी, ए बाई बी एक्चुअली जो होता है ना, ये जो ए बाई बी डिनोट करते हैं ना, ये कंडीशनल इवेंट का है, किसका है, ये कंडीशनल इवेंट का है, कंडीशनल इवेंट। अब कंडीशनल इवेंट में क्या होता है कि बी के होने का फर्क ए पे पड़ता है, लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि बी के होने का फर्क ए पे नहीं पड़ता है, तो जब बी के होने का फर्क ए पे नहीं पड़ेगा तो इनका जो कंडीशन होगा वो सेटिस्फाई होगा भी नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर मैं दोनों का कंडीशन निकाल के ए बाई बी सॉल्व भी करूंगा तो क्या आंसर आएगा, पी ऑफ ए आने वाला है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा इवेंट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, कब, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। इनकेस अगर मान लो आपको पूछ ले इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब इनमें से ऐसे मान लो पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉसिबल इवेंट, और ऐसे ऑप्शन हो तो मैंने बता दिया ए पहले होगा तो यहाँ पे ए होगा, बी होगा तो पहले यहाँ पे बी होगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में क्या बोला है, टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू बी माइनस ए। अब बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ऐसे समझो कि जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, यानी इन शॉर्ट ऐसा समझो कि जहां पे इंटरसेक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, फाई होता है, क्लियर है। जहां पे इंटरसेक्शन फाई होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो न्यूज में देखा होगा कभी लिखते हैं कि एक्सक्लूसिव न्यूज है, एक्सक्लूसिव न्यूज है, तो एक्सक्लूसिव न्यूज का मतलब क्या था, ये अभी हमारे पास है और भी किसी और के पास ये न्यूज है ही नहीं, हम ही सबसे एडवांस में लेकर आ रहे हैं ये न्यूज, दैट्स व्हाई वो लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लूसिव, ओके। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा है कि टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू, तो इसके लिए तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछा है, अब बोला कि कौन सा आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, तो बी माइनस ए, मिनट,
अभी जो बी माइनस ए होता है बेसिकली ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंस इवेंट, इसको क्या बोलते हैं डिफरेंस इवेंट, क्लियर है। और अभी मैंने ऊपर ही जब हम लोगों ने एक क्वेश्चन रीड किया था तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंस इवेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी देखो लिखा था पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लिखा ना बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर देखो, अब यहाँ पे बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाइव होगा। रीजन ये है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे हो जाएगा कि बी माइनस ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, यानी जो पहले होगा वो लिख देना है कि माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो पी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो या फाइव हो जाएगा। तो पी ऑफ बी माइनस जीरो करेगा तो आंसर क्या आएगा, पी ऑफ बी। सो इट मीन्स कि बी माइनस ए आंसर क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी। कौन से केसेस में, उस केस में जब जहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी हो जाएगा, क्लियर है। फिर आगे लिखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस फॉर्मड बाय थ्रोइंग थ्री सिक्स फेसेड बैलेंस डाई साइमल्टेनियसली। तो याद रखना जब थ्री सिक्स फेसेड बैलेंस डाई हो, यानी डाइस हो, तो उसमें कैसे होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी समझा दिया थ्रोविंग टू डाइसेस, मैंने यहाँ पे लिख दिया था सिक्स पावर ऑफ टू हो जाएगा। तो जब थ्री डाइसेस होगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स पावर ऑफ थ्री हो जाएगा, सिंपल, राइट। यानी कि सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स जो आंसर होगा उतने तुम्हारे रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड बिटवीन वन एंड ट्वेंटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव। अब बोला है, अब ये बोला है कि वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड बिटवीन वन एंड ट्वेंटी, राइट, वन एंड ट्वेंटी। अच्छा एक बार इसमें बता दू, अगर इसमें ऐसा बोला हो फ्रॉम वन टू ट्वेंटी, ये अलग केस होता है। फ्रॉम वन टू ट्वेंटी का मतलब होता है हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना है, ट्वेंटी है, राइट। लेकिन अगर ये बोल रहा बिटवीन वन एंड ट्वेंटी, मतलब एक और बीस के बीच में, जब भी ये वर्ड यूज करें बिटवीन वन एंड ट्वेंटी, इसका मतलब एक्चुअली ऐसा बोला ऑप्शन के तौर पे टू से लेके हमारे पास नाइनटीन तक ही ऑप्शन है, क्लियर है। मतलब वन एंड ट्वेंटी को काउंट नहीं करना है, क्लियर है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि वन नंबर इज रेंडमली सिलेक्टेड बिटवीन वन एंड ट्वेंटी, इट मीन्स टू एंड नाइनटीन तक, मतलब वो जो स्टार्टिंग और लास्ट के डिजिट हटा देना है। और जब बोला फ्रॉम वन टू ट्वेंटी, मतलब एक से, तो समझ जाना कि एक भी काउंट करना है, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को समझना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ फाइव, मल्टीपल ऑफ फाइव का मतलब फाइव का टेबल, तो फाइव टेन फिफ्टीन यही पॉसिबल है, क्योंकि ट्वेंटी तो हमने हटा दिया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन, एम कितना आया है, तो एम आया है तीन, ये कितना है तीन, ओके। और एन कितना है, तो एन है सॉरी टू से नाइनटीन तक है, यानी एटीन है। कैसे पता चला एटीन है, यहाँ पे वन गायब और यहाँ पे ट्वेंटी गायब है, यानी टोटल ट्वेंटी डिजिट में से दो गायब है, तो बचा कितना एटीन। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाय सिक्स, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वन बाय सिक्स हो जाएगा, क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट सॉरी If A and B are independent event, which of the following option is true? बोला है कि अगर independent event हो तो कौन सा possible है? जब independent event हो तो कौन सा possible है? उसके लिए same वही करते हैं जो हमने पीछे किया, यानी जो rules है पहले उसको देख लेते हैं। तो same page number 37 पे, तो page number 37 मतलब 36 already 37 open ही करके रखा है। तो page number 37 पे rules क्या है? आ गया। ये रहा देखो। लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये रहा लिखा ना, इफ ए एंड बी क्या लिखा, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो ये तुम्हें याद रखना है, इसलिए याद रखना क्योंकि इसमें से बहुत सारे फॉर्मुलाज आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर ना बता के दिखा दे रहा हूँ, बुक में भी ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यानी 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फाइव थर्सडे इन द मंथ फेब्रुवरी इन अ ईयर व्हिच इज नॉट अ लीप ईयर। नॉट अ लीप ईयर का मतलब ये हो जाएगा कि फेब्रुवरी में कितने डेज होने चाहिए इसमें,
28 डेज। ये जब भी लीप ईयर होता है तो लीप ईयर का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी क्वेश्चन में लिखता है लीप ईयर तो लीप ईयर का मतलब होता है 29 डेज इन फेब, राइट। लेकिन ये बोला है नॉट लीप ईयर, तो नॉट लीप ईयर का मतलब 28 डेज हो जाएगा, और एक वीक में बेसिकली कितने दिन होते हैं, 7, और एक 28 डेज का मतलब 4 वीक्स कवर कर सकता है, यानी 4 फरवरी तो पॉसिबल है। अब कोई दिन बचा ही नहीं है, हमारे पास टोटल 28 डेज होता है, यहाँ पे 28 तो काउंट कर लिया, तो 28 माइनस 28 यानी 0 हो जाएगा, कोई दिन बचा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकालोगे, तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन एज्यूम करो यहाँ पे लिख देता लीप ईयर, तो लीप ईयर अगर आंसर लिख देता तो इसका मतलब क्या हो जाता, तो इसको मैं अलग तरीके से समझा देता हूँ लिख के अलग पेन से, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। अगर मान लो बोल देता लीप ईयर, तो 29 में से 28 माइनस करते तो कितना बचता, 1 बचता, क्लियर है। और हमारे पास टोटल कितने दिन होते हैं, 7। अब 7 में से मंडे की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाती है, 1/7, तब हमारा आंसर हो जाता है 1/7। ओके, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछे तो आपको सेम वे में ही करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट में लिखा है इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4 एंड पी बी डैश इज इक्वल टू 0.3 फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या बोला है, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सैंपल स्पेस, देन स्टेट द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। हालांकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे लिखा है टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और अभी जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखा इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, मतलब ये फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, मुझे फाइंड करना पड़ेगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये फाइंड करना पड़ेगा। बट कहीं भी क्वेश्चन में पी ऑफ बी नहीं है, ए तो है, ए की वैल्यू है 0.4, बट पी ऑफ बी की वैल्यू नहीं है, लेकिन बी डैश की वैल्यू है 0.3। यहाँ पे देखो लिखा ना पी बी डैश इज इक्वल टू 0.3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी बी डैश इज इक्वल टू 1 - p of b, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो b डैश की वैल्यू है 0.3 इज इक्वल टू 1 - p of b, ये चला जाएगा उस साइड और ये आ जाएगा इस साइड, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी p ऑफ b इज इक्वल टू 1 - 0.3, तो ये आ जाएगा 0.7, क्लियर है। आंसर क्या आ जाएगा, 0.7, सो इट मीन 0.4 × 0.7, तो आंसर आ जाएगा 0.28, क्लियर है। आंसर क्या आ जाएगा, 0.28। अब ये जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट मे बी पॉसिबल ये आपको सेक्शन बी के लिए पूछ ले, इट मे बी पॉसिबल आपको ये 3 मार्क्स में भी 2 मार्क्स में भी पूछ ले, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना सम्स की। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ सैंपल स्पेस स्टेट द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये बोला है कि दो इवेंट है ए एंड बी, अब उसके लिए तुम्हें सॉल्व करके बताना है ए इंटरसेक्शन बी, ये सब पूरा सॉल्व करके समझाना है। तो चलो एक बार यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा, तो नीचे चलते हैं, जगह काफी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ए यू एज्यूम करता हूँ, यू में लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, फिर ए एज्यूम करता हूँ, ए में लिखता हूँ 1, 2, 3 एंड 4, फिर बी लिखता हूँ, बी में लिखता हूँ 4, 5 एंड 6, क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में क्या होना चाहिए जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 4, दोनों में कॉमन क्या है 4, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ 4, डायरेक्टली मैंने लिख दिया आंसर 4। उसके बाद सेकंड में क्या पूछा था, ए इंटरसेक्शन बी डैश, सेकंड में क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब पी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था बी वाला करके, राइट। तो जब भी ऐसा आए तो समझना डैश वाला आए या ऐसा लिखा है ए माइनस बी, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या किससे करोगे वो देखो, तो पी ऑफ ए सबसे पहले लिखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, तो पी ऑफ ए की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4, एंड ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 4 - 4, तो 1, 2, 3, 4 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि 4, 4 कट हो गया। अब क्वेश्चन में देखो, अभी भी हमने हम दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा वो अभी तक नहीं मिला है, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे वो देखो। इसके लिए मैं फिर से अलग पेन यूज कर लेता हूँ,
इसका कैसे लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? वो है 4। सॉरी ये मुझसे ना कभी कभी ये नहीं बनता है, मैं जैसा बनता वैसा बना देता हूँ, तो इसी को बनाने के मैं पूरा दिन निकाल दूंगा। फिर यूनियन, यूनियन क्या होता है? यूनियन यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो 1, 2 एंड 3 क्लियर है। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन में क्या पड़ा है? ऑल राइट एक्सेप्ट कॉमन, एक्सेप्ट कॉमन क्लियर है। क्या करना है? कॉमन वाले को दो बार नहीं लिखना है बस, लेकिन बाकी सब लिख देना, सिर्फ कॉमन वाले को दो बार मत लिखना। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर सॉल्यूशन चेक करोगे तो ये आया है 1, 2, 3, 4। तो ये किसके मतलब क्या आंसर आया इसका? 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 का मतलब ये हुआ कि हमारे ए के इक्वल में है। इसके इक्वल में है ए के, इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। ए का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या है? अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम अमंग द एन आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बोला है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ईच आउटकम। तो हर आउटकम के जो चांसेस है वो एक है, टोटल कितना होता है हमारा? एन होता है, यानी 1/n हो जाएगा। यानी जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा, क्लियर है। याद रखना बोला है ईच आउटकम का, और हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम से कम एक होती है। कम से कम एक का मतलब जैसे 100 लोग हैं, 100 में से किसी एक को चूज करना है तो सबको एक एक मौका मिलेगा ना, यानी 1/100 हो गया राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा, समझ में आया। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का, क्लियर है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का ऑप्शन, क्लियर है। आई होप कि फर्स्ट बार आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर है इतना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में लगभग चांसेस होता है कि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है, या तो फर्स्ट वाला आएगा या तो सेकंड वाला आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब समझा देता हूँ। ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये हम लोग को 6th-7th में पढ़ाया जाता है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस, राइट। एक क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है, बेसिकली वो एक एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता है। जैसे मैंने बोल दिया 10, 15, 20, ऐसे समझ लो, लाइक 10 मैंने बोल दिया, 11 बोल दिया, 15 बोल दिया, या 20 बोल दिया, तो ये क्या हो गया? एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, और इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, क्लियर है। वहीं पे अगर को बोलता हूँ कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, राइट, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो अब बोलोगे सर ये तो कुछ ज्यादा ही आपने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे है ना कि वो हमारा हम लोग का डेफिनेशन दिया हुआ है ना उसमें कि पब्लिक, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, व्हिच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, इट इज नॉन एज अ पब्लिक कंपनी, राइट। तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो थोड़ा आप समझो इसको। नॉट एग्जैक्ट वैल्यू इसका मतलब ये है कि बेसिकली बिटवीन होगा, ये कैसा होगा? बिटवीन। पूछोगे सर ये बिटवीन क्या है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि 10 to 15 लिखा हुआ है, 15 to 20 लिखा है, तो 20 to 25 लिखा है। अब प्रॉब्लम ये है इसमें एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू होगी वो नहीं पता, बट इसके बीच में एक भी वैल्यू वो हो सकता है, हो सकता है 10 हो, हो सकता है 10.1 हो, 10.2 हो, 10.5 हो, 10.9 हो, 10.98 हो, 11.2 हो, इट मीन्स कि कोई भी एक वैल्यू हो सकता है बट इसके बीच का ही होगा, क्लियर है इतना। उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्लियर है इतना। दो होते हैं, एक वेरिएबल्स दो होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, कंटिन्यूअस का मतलब नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, बिटवीन में होता है, बिटवीन का मतलब 10 से 15, 15 से 20, क्लियर है इतना।
ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, विच वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब कौन सा ऐसा है जो डिस्क्रीट एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल है। तो रीड करते हैं ऑप्शंस। नंबर वन है हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, नंबर टू वेट ऑफ अ स्टूडेंट, नंबर थ्री ब्लड प्रेशर ऑफ अ स्टूडेंट, नंबर फोर बर्थ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट। ये चारों ऑप्शन को रीड करो और दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि चारों में से कौन सा ऐसा जो एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता है। क्या हाइट स्टूडेंट की एग्जैक्ट वैल्यू ले सकती है? इट मे बी पॉसिबल कोई ऐसा बोले कि 5 से 6 फुट के बीच में हाइट है, वेट बोलता 70 से 75 किलो के बीच में हो सकता है, ब्लड प्रेशर बोलता थे कि 100 से 120 के बीच में है। इसका मतलब ये क्या, ये तो कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल हो गया, राइट। तो बर्थ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट को ऐसा बोलता है कि नहीं मैं 1990 से 1995 के बीच में पैदा हुआ, मतलब लगातार पैदा ही हो रहा था क्या, राइट। अब जैसे कोई तुमसे बर्थ ईयर पूछता कि तुम्हारा बर्थ ईयर क्या, तुम क्या बोलते हो 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, यही बोलते हैं ना कि ऐसा बोलते नहीं ऐसा है 2003 से लेकर 2008 के बीच में है, ऐसा तो नहीं होता ना, राइट। इट मींस कि बर्थ ईयर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता है। बात समझ में आया, क्लियर है? आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, और थोड़ा ऑफेंड मत होना, एग्जांपल समझाने के लिए ही होते हैं, और जो भी जितने भी एग्जांपल्स होते हैं टारगेट यही होता है कि वो आपको इजीएस्ट वे में समझ में आ जाए, नथिंग एल्स। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बर्थ ईयर ऑफ अ स्टूडेंट। उसके बाद नंबर टू है, विच वेरिएबल ऑफ अ फॉलोइंग विल बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ कंटिन्यूअस। अब आ गया ना कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता बट बिटवीन में होता है। जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकरिंग एट एनी प्लेस, पहले चारों ऑप्शन रीड करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि चारों ऑप्शन रीड करने के बाद ऐसा लगता है कि भाई चार के चारों सही हो सकते हैं, क्लियर है। इसलिए पहले रीड करें, मतलब कि कोई जैसे होगा क्या कि फर्स्ट ऑप्शन रीड करोगे ना, तुम्हें लगा यही तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया करो, चारों ऑप्शन रीड करो और फिर चारों में कंपैरिजन करो कि कौन सा ज्यादा पॉसिबल है। तो जैसे देखा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकरिंग एट एनी प्लेस, नंबर ऑफ रेनी डेज ड्यूरिंग अ ईयर, मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ओके, तो ये चार ऑप्शन है, तो सबसे पहले चलते हैं लास्ट वाले ऑप्शन से, नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन इन फैमिली। तो एग्जैक्ट 5, 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, ऐसा तो बोलेंगे 10 से 20 बच्चे हैं, ऐसा तो होगा नहीं ना, राइट। बोलेंगे 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 2 बच्चे, मतलब जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो तो एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब एग्जैक्ट वैल्यू ले सकता है इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये डिस्क्रीट हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ओकरिंग एट एनी प्लेस, मान लो किसी भी प्लेस में बोलते हैं यहाँ पे कितने एक्सीडेंट्स हुए, तो बोलेंगे भाई 3 एक्सीडेंट हो गया, 4 एक्सीडेंट हो गया, 15 से 20 एक्सीडेंट हुआ। अगर मान लो ऐसा तुम 15 से 20 एक्सीडेंट बोलते हो तो ये कंटिन्यूअस हो गया, राइट। अभी ध्यान से सुनना पहले, फिर नंबर ऑफ रेनी डेज ड्यूरिंग ईयर, अब एक साल में कितने दिन बारिश हुआ था, तो ये तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता सकते हैं। या अगर मान लो अगर ऐसे तो बोलो 30 से 40 दिन में हो सकता है, चलो 30 से 40 दिन बोल दिया तुमने। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे, अरे एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है, तो क्या ये तुम्हें एग्जैक्ट पता होगा, कभी नहीं पता होगा। तुम बोलोगे नॉर्मली देखा गया है ऐसा कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में, 30 से 35 तो नहीं होता है, 37 तो अभी है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइम पे 37 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब ऐसे मान लेते हैं कि भाई 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 तक हो जाता है डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो सेम टू सेम लग रहा है, बट थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो तीनों ऑप्शन में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग एट एनी प्लेस किसी एक प्लेस पर पूछा है, नॉट जैसे ऑल ओवर नहीं पूछा, एक प्लेस पर पूछा। जैसे मान लो ऐसा बोल दिया कि तुम्हारे, हालांकि ऐसा कभी होना मैं होना नहीं चाहिए ऐसा, बट एक एग्जाम्पल देके समझा रहा, मान लो ऐसा बोल दिया भाई तुम्हारे स्कूल के जो सामने वाला रोड है वहां पे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, राइट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो बोल सकते 3 या 4 एक्सीडेंट्स हुए, राइट। तो इट मींस कि इट कैन बी अ, याद रखना इट कैन बी अ डिस्क्रीट वेरिएबल, तो ये भी कैंसल हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ रेनी डेज ड्यूरिंग अ ईयर, नंबर ऑफ रेनी डेज ड्यूरिंग अ ईयर, अब एक साल में कितनी बारिश हुई है, तो ये तो बेसिकली जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं मौसम वाले वो तो एग्जैक्टली बता सकते हैं ना कि भाई इतने ही दिन बारिश होगी। जैसे तुमने देखा न्यूज में आता रहता है ना कि आने वाले 3 दिन जो हो सकता है वो बहुत बारिश वाले हो, मूसलाधार बारिश हो, न्यूज में आता रहता है। इट मींस एग्जैक्टली डेज फाइंड कर सकते हैं, सो इट मींस ये भी कैंसल हो जाएगा, तुम्हारा ये भी आंसर क्या हो जाए, कट हो जाए। तो बचा क्या, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर में अभी का दिखा सकते कि 37 डिग्री सेल्सियस है, बट आज का मैक्सिमम कितना होगा मुझे भी नहीं पता, हो सकता है रात में और बढ़ जाए, पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, इट मींस कि मैक्सिमम डिसाइड नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारा होगा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे, याद रखना ये थोड़ा, ठीक है। ऑप्शंस कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, तो उनको अच्छे से रीड करो, थोड़ा एनालाइज करो, दैट्स व्हाई है ना एमसीक्यूज को सबसे पहले सॉल्व कर लिया करो, रीजन ये है, माइंड एकदम शांत रहेगा,
बहुत सारे बच्चे होते हैं एमसीक्यू तो हो जाएगा करके, वो इधर उधर से करके कर लेंगे ऐसा सोच के वो एमसीक्यू छोड़ देते हैं। पर जल्दबाजी में एमसीक्यू को कभी मत करना, एमसीक्यू को ऑलवेज शांत दिमाग से ही करना होता है जब मन एकदम अच्छा हो। रीजन ये है कि अगर इसमें से एक भी गया तो पूरा जाएगा, सो बेटर है कि कोशिश करो कि पूरा ले लो ना। बाकी में कैसा है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो नंबर तो मिल ही जाते हैं, इसमें एक हाँ या तो ना, बात खत्म। तो हाँ कोशिश करो ना, ओके प्योर है तो एमसीक्यू को पहले सॉल्व कर लेना, इसमें थोड़ा शांति से होगा। एकदम नए जब जाओगे एग्जाम में तो दिमाग एकदम शांत रहेगा, एकदम ताजा ताजा रहेगा, तो फटाफट अच्छे से चीजें कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम्स द वैल्यू -101 विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी 1.5 के एंड 1/3, वेयर 0 जीरो लेस देन के लेस देन वन, इट मीन्स कि जो के की वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा है बट एक से कम है, एंड एक्स डज नॉट एज्यूम एनी वैल्यू अदर देन दिस वैल्यू। तो जो एक्स की वैल्यू इन वैल्यू से ज्यादा मतलब कुछ और भी नहीं होगा, मतलब जीरो से एक के बीच में ही होगा जो होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई एक्स, पूछा है ई एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, अब पूछा ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ई एक्स की वैल्यू कैसे पता चलेगा, हमको सबका टोटल करना पड़ता है। तो सबका टोटल करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये वैल्यूज पता होना जरूरी है, यानी इनके सामने जिनकी प्रोबेबिलिटी है वो मुझे पता होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ कैसे होता है। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 है ना, हाँ 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें -1 है, यानी एक्स डिनोट कर देंगे 0 1, और पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 1/5 k और 1/3, 1/5 k और 1/3, क्लियर है ये दिया हुआ है। अब तुम्हें को पता होगा हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा, नहीं नहीं सिग्मा लिखते हैं, ठीक है, सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, राइट, मतलब इन सब का जो टोटल होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/5 k + 1/3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे डिवाइड में मैं 1 कर देता हूँ। अभी 5 एंड 3 का एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो देखो 5 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं है। याद होगा अगर आपने मेरे अकाउंट्स की क्लास अटेंड की होगी तो मैंने आपको बताया है कि जब आपको कुछ भी कॉमन ना दिख रहा हो तो क्या करो, पूरा का पूरा ले लो, यानी 5 3 15। अब यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पे 5 है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है, तो क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3+, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 15 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कितने से डिवाइड, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड, नीचे नहीं लिख सकता इसलिए ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, क्लियर है इतना। उसके बाद आगे लेकिन के भी है तो के भी साथ में लिख देना। उसके बाद प्लस यहाँ पे 3 है तो 5 से मल्टीप्लाई बाय 5 से डिवाइड करना है, तो 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 15 के डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 + 15 k = 15, राइट, तो 15 k = 15 - 8, तो यहाँ पे 15 k = क्या हो जाएगा, 7, तो k = क्या आ गया, 7/15, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 7/15। इट मीन्स कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/15। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है, तो अपने आप को सिर्फ कंफर्म करने के लिए तुम अगर मतलब कंफर्म मतलब अपने आप को थोड़ा सा बेटर वे करने के लिए तुम चाहो तो इसमें इसको भी 15 कर लो, इसको भी 15 कर लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई जबरदस्ती वाला नहीं है, तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है ई एक्स, तो ई एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, राइट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आ जाएगा -1/5 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3, क्लियर है, क्या आएगा -1/5 और ये हो जाएगा 0 क्योंकि केक यहाँ इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा और 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो सेम ही आने वाला है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/5 + 1/3, क्लियर है, -1/5 + 1/3, दोनों का सॉल्यूशन करो, दोनों का डिवाइड में कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है, वही सेम रीजन, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा -3, राइट, बीच में प्लस, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, सेम वही 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तब जाके 15 होगा, 5 3 15, तो यहाँ हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 2/15, क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2/15, यानी ई एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी,
टू डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलते हैं, टू डिवाइड बाई 15 है भी कि नहीं वो देख लेते हैं। तो टू डिवाइड बाई 15 है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर, टू डिवाइडेड बाई 15। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ रैंडम वेरिएबल x assumes the value -2, 0, and 2 only with respect to probabilities 1/5 and 3/5 and k. If 0 less than k less than 1, what will be the value of k? अब इसमें सिर्फ k की वैल्यू पूछा है, अब सिर्फ k की वैल्यू पूछा है, तो मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया ना, कितना सॉल्व करना है, ये वन स्टेप चल नहीं रहा, हाँ ये वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, मतलब यहां तक ही सॉल्व करना, राइट। तो ये तो अभी मैंने आइडिया दे दिया कैसे सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली एक बार सॉल्व कर लेना इसका। मैं सिर्फ डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5, ओके क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, मीन एंड वेरियंसेस ऑफ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना यहाँ पे लिखा है मीन एंड वेरियंसेस ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में याद रखना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़े वर्ड पे फोकस करना। आर थ्री एंड सेवन रिस्पेक्टिवली, वॉट विल बी ई एक्स स्क्वायर फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब पूछा है ई एक्स स्क्वायर क्या होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें मीन एंड वेरियंसेस का मतलब पता नहीं, इसका मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है E x square minus E x का whole square. ऐसा है। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका मतलब होता है मीन, ये जो वैल्यू लिखा है ना, इसका मतलब होता है मीन, ओके? अब इसका मतलब मीन होता है, और हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में नहीं दिया, यहाँ पे देखोगे तो हमें यही वाला फाइंड आउट करना है, ओके? ई एक्स का होल स्क्वायर जो है वो तो मीन हो गया, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ये है, और ये वेरियंसेस जो है हमें बुक में कितना दिया है, तो वेरियंस हमें बुक में दिया हुआ है 7, और ई एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई एक्स स्क्वायर और माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो मीन कितना दिया हुआ है, तो मीन अपने आपको दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस 3 × 3 हो जाएगा 9। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 + 9, यानी 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन होगा, यानी आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा, 16, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ई एक्स इज इक्वल टू 5, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35, व्हाट विल बी द वेरियंसेस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बहुत आसान है, अभी ऑलरेडी मैंने वेरियंसेस का फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे लिख के दिया है, अब तुम्हें बस क्या करना है, वैल्यू उसमें पुट कर लेना है, यानी ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 35, और ई एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5, तो 35 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 35 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 10। इट मींस ये तो डायरेक्टली हम लोगों ने कर लिया, रीजन ये है हमने फिफ्थ वाला सॉल्व किया, तो सिक्स्थ वाला अपने आप आ गया, बात समझ में। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक चीज पढ़ते हैं और दूसरा हमें अपने आप आ जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन इज इक्वल टू 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज माइट बी द वैल्यू ऑफ मीन। अब यहां पे बोला है पॉजिटिवली स्क्यूड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n is equal to 10, which of the following might be the value of mean? और mean का मतलब क्या होता है, जब ये binomial distribution की बात करते हैं, तो binomial distribution के केस में mean is equal to होता है np, okay? पर n की value हमें हमारे पास कितनी है, 10 है, पर p का value जो है वो हमें पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन में मैं आपको बुक में लेके चलता, वहां पे मैं कुछ थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो थ्योरी में क्या है, वो यहाँ पे पेज नंबर 81 है वैसे तो, बट इट मे भी पॉसिबल 81 है, तो मेरा जैसे 85 चार पांच पेज आगे पीछे होता है, तो मैं 85 पे चलता हूँ। देखो 85 पे ही आया, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एनी हाउ आप लोग इस प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, जिसमें तुम्हें आसान हो जाएगा। नंबर वन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये याद रखना बाइनोमियल कौन सा, डिस्क्रीट वाला। रीजन ये है, इसमें देखो एक्स की जो है ना वैल्यूज एग्जैक्ट होती है। अगर नहीं याद रहता तो सिंपल देखो, कभी भी एक्स की ऐसी वैल्यूज आई है 10 to 20, हमेशा एक्स की वैल्यू कैसे आई है, 9, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 3, एक्स की
इक्वल टू 3 2 1, इट मींस कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं। और ये चैप्टर के स्टार्टिंग मतलब ये जब क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो फर्स्ट वाले में ही बता दिया। दूसरा, इट्स पैरामीटर आर एन एन पी, और इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एन एन पी होते हैं। द मीन ऑफ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी, विच डिनोट्स एवरेज एंड नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन बर्नौली ट्रायल्स, राइट। अब याद रखना कि एन पी क्या होता है, इसका एवरेज होता है, यानी मीन होता है। एंड द वेरियंसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी क्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट एन पी क्यू, क्लियर है। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरियंसेस, और याद रखना कि जो मीन की वैल्यू होती है वो वेरियंस से ऑलवेज ज्यादा होती है। और ये रिलेशन याद रखना, variance is divided by mean is equal to Q, यानी probability of failure, ये आपको short questions में काम आ जाएगा, right? In case आपको one marks के question में आएगा तो भी आपको वहाँ पे काम आ जाएगा, right? कि variance is divided by mean। अब बात करते हैं हमारे जो दो question पूछा गया है। question में बोला है हम लोग को positive वाला ना, पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू, स्क्यूनेस जो है ना वो पॉजिटिव है। तो जब स्क्यूनेस पॉजिटिव होगा तो याद रखना पी की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1/2 होगा। क्या बोला मैंने, जब पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज लेस देन 1/2, और जब नेगेटिव होगा, कहां गया नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है क्या, हाँ ये रहा नीचे, जब नेगेटिव होगा तो ऑलवेज होगा ग्रेटर देन 1/2, क्लियर है। दो वर्ड याद रखना है, नंबर वन क्या है, नंबर वन है जब पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा तो जो वैल्यू होगी वो होगा लेस देन, और जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में क्या होगा, ग्रेटर देन, क्लियर है। और थर्ड वाला भी याद रख लेना, थर्ड वाला क्या होगा, जब जो ये जो स्क्यूनेस होगा वो जीरो होगा, राइट, मतलब थोड़ा भी स्क्यूनेस नहीं होगा, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो पी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 1/2। इट मीन्स कि ये वाला भी याद रख लेना इनकेस गलती से पूछ ले तो, राइट, कि पी इज इक्वल टू 1/2 का मतलब जो स्क्यूनेस है वो जीरो है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा सक्सेस और फेलर दोनों सेम हो गया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। स्क्यूनेस क्या बोला था यहाँ पे, पॉजिटिव, पॉजिटिवली स्क्यूड, इसका मतलब p की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 1/2। लेस देन 1/2 का मतलब लेस देन 0.5, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर नहीं बोल सकता तो एक बार काम करो, कैलसी में चेक कर लो, या 1/2 डिवाइड बाय करोगे तो 0.5 होगा। इट मीन्स कि लेस देन 0.5। अब n की वैल्यू है 10, p की वैल्यू है लेस देन 0.5, यानी जब सॉल्यूशन आएगा तो क्या आएगा, लेस देन 5 आएगा, राइट, क्या आएगा, लेस देन 5, यानी जैसा क्वेश्चन में लिखा है मैं वैसा ही करते गया, मैंने कुछ अलग नहीं किया। अब लेस देन, लेस देन, या एक मिनट, ये थोड़ा अजीब सा हो गया, लेस देन 0.5, तो सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा लेस देन 5। अब लेस देन 5, अब चार ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा लेस देन 5 है, याद रखना 5 भी नहीं है, लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 एक ही पॉसिबल है और वो है 3, क्लियर है इतना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप कि ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो सेम रूल फॉलो करना है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में क्या बोला है, फिर विच वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विच पैरामीटर एन इज इक्वल टू 4 एंड पी इज इक्वल टू 1/2 बिकम्स मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से सुना, क्वेश्चन में पूछा है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन इज इक्वल टू 4 एंड पी इज इक्वल टू 1/2 बिकम्स मैक्सिमम, यानी एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसमें हमारा जो आंसर होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट, वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और जहां पे पी की वैल्यू क्या होगी, 1/2। इसको ध्यान से सुनना अभी, अब ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम पता करने का तरीका जो है वो ये है, एनपी का फॉर्मूला, एनपी मतलब मीन का फॉर्मूला। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, और पी की वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। इट मींस कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी, तब हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन 5 एंड वेरियंस 10/7, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में बोला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन 5, मीन की वैल्यू है 5 है और वेरियंस की वैल्यू है 10/7, तो पूछा है कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब 1/2 होना चाहिए पी की वैल्यू। तो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ पी, कि पी की वैल्यू लेस देन 1/2 है, ग्रेटर देन 1/2 है और इक्वल टू 1/2 है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, अपने पास एनपी है, अपने पास क्या है एनपी, अपने पास एनपी कितना है 5 है, एनपी क्यू कितना है 10/7, क्लियर है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं एनपी क्यू इज इक्वल टू 10/7 और NP की जगह पे लिख देता हूँ 5 इंटू क्यू
इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 7, क्लियर है? अब क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ये डिवाइड में आ जाएगा, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5, मतलब ये डिवाइड में आ गया, तो 515 और यहाँ पे 52 जा 10, तो यानी आंसर रहेगा 2 डिवाइडेड बाय 7, ये तो आ गई q की वैल्यू, क्लियर है? ये कौन सा है, q की वैल्यू, लेकिन हमें क्यू से नहीं पता चलता, हमें पता चलता है पी से, तो पी से कैसे पता चलेगा, तो क्यू की वैल्यू 2/7 है और पी की वैल्यू क्या हो जाएगा 4/7, क्लियर है? पी की वैल्यू क्या पता चल जाएगा 4/7, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज 1, और क्यू की वैल्यू है, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, पी इज इक्वल टू पी प्लस 2/7 इज इक्वल टू 1, सो पी इज इक्वल टू 1 - 2 डिवाइडेड बाई 7, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं, बस 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 2, सॉरी 4 नहीं होगा, 5 होगा, मैंने गलती से 4 लिख दिया, ठीक है, इसको हाँ देखा, सॉल्व करने से पता चल गया ना कम से कम, तो यहाँ पे 7 - 2 डिवाइडेड बाय 7, इट मींस 5/7 हो जाएगा, क्लियर है? क्या आ जाएगा, 5/7, अब अभी भी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को पता ये नहीं चला कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब कि कैसे पता चलेगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग ने तो पढ़ा है पी लेस देन 1/2, पी ग्रेटर देन 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो हमें ये चेक करना है कि जो पी की वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान मैं लिख देता हूँ, पी की वैल्यू लेस देन 0.5 से कम है, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, या पी की वैल्यू इज इक्वल टू 0.5 है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, 5/7, यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ इसको, पी की हाँ पी की वैल्यू क्या है 5/7, तो अब चेक करते हैं 5/7, तो ये आ जाएगा 0.71, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.71, तो 0.71 का मतलब है P is greater than 0.75, और greater than है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा negative skewed, clear है, less than होगा तो positive, greater than होगा तो negative, okay? Now the next question, which of the following is the formula of probability of an event of not getting a success in the binomial distribution with parameter N and P? अब पूछा ये चारों में से कौन सा formula बन जाएगा for not getting success, right? Not getting success, okay? In the binomial distribution with n parameter, with the parameter n and p, तो assume करते हैं n is equal to, मतलब कि n है, इन लोग का formula क्या होता है, ncx into p of x into qn minus x, clear है? अब n की जगह पे तो parameter यहाँ पे कुछ value दिया नहीं, n की जगह पे n ही रहने वाला है, x की जगह पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे for not getting success, success नहीं मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, right? x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो nc 0 into p of 0 into q n minus 0, तो ये क्या हो जाएगा, nc 0 p of 0 q n हो जाएगा, क्लियर है? अब क्या करना है, अब चारों में चेक करो कि ये वाला फॉर्मूला कहां पर है, nc0 p power of n, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि हम लोग का p power of 0 है, ये p power of 0 है, q power of n है और nc0 है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर b ही राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर b हमारा राइट हो जाएगा, और ये वाला उसमें पावर है नहीं, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया, इसमें भी q के पावर में कुछ भी नहीं, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर b, क्लियर है? तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू, आई होप कि आपको ये एमसीक्यू समझ में आ गया होगा और अभी कोई डाउट नहीं होगा, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, क्लियर है? अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में क्या लिखा है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें अच्छे से रीड करना है, ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बहुत ही आपको ट्विस्टिंग वाले पूछ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, अब यहाँ पे देखो कहाँ गया यार, हाँ ये रहा, which of the following is the probability density function for a normal variable x with mean mu and standard deviation sigma, right? ये पूछा है, तो इसका मैं आंसर दूं, उससे पहले मैं तुम्हें लेके चलता हूं बुक में, राइट, बुक में लेके चलता हूं और तुम्हें कुछ दिखाता हूं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 का स्टार्टिंग पेज बहुत ज्यादा आगे आ गया, जो इसका पेज नंबर मैंने लिखा नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो गई। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें तुम्हें बताता हूँ, इसको ध्यान से अंडरलाइन कर लेना, याद रखना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, ध्यान से सुना, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विथ म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा,
इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज, तब उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/σ2π, यहां से सुनना, 1/σ2π, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, विद पाई इंटू ई माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। ये कब होगा, जब रैंडम वेरिएबल होगा उसकी बात कर रहा है। फिर उसके बाजू में ही नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो एक और है, पर वहां पे क्या लिखा है, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, देन रैंडम वेरिएबल जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज, तब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, तब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा 1/2π। वो सिग्मा क्या हो गया, कैंसल हो गया, 1/2π इंटू ई माइनस 1/2 जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस म्यू। क्लियर है इतना, तब ये हो जाएगा। यानी दो चीजें, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और सिर्फ ये है, सिर्फ ये रैंडम वेरिएबल है। क्लियर है, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ नॉर्मल वेरिएबल एक्स। अब यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल एक्स बोला है विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और सेकंड वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, सेकंड वाले में क्या बोला है, फॉर अ नॉर्मल वेरिएबल एक्स विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड, राइट। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो नॉर्मल वेरिएबल जेड का फॉर्मुला अभी देख लिया था, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन भी एक बार चेक कर लो तो कुछ और भी आइडिया लग जाएगा। थर्ड वाले में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। याद रखना है यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और पूछा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कौन सा होगा। क्लियर है, तो ये दो वर्ड है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, और इसमें कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है, राइट, इसमें सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल। तो जब नॉर्मल वेरिएबल यूज करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/σ डिवाइडेड बाय सिग्मा 2π e माइनस 1/2 फिर x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे तुम्हें ये चेक करना है कि कौन सा वाला ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे 1/σ2π × 1/2 ये कैंसिल होगा, स्क्वायर नहीं है, राइट। फिर 1/σ2π × e − 1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, अच्छा यही लग रहा है, क्योंकि अब बाकी भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 1/σ2π × e − 1/2 x − μ/σ2, से ये भी लग रहा है। लेकिन लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 < x > ∞, और यहाँ पे लिखा है −∞ > x + ∞। अब पूछोगे सर इसमें क्या डिफरेंस है, तो आपने बताया नहीं। ये दोनों फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुना, ये दोनों फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही राइट लग रहे हैं, लेकिन ये जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज की वजह से हमें जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। अब क्या है ये वैल्यूज, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके, ये याद रखना है। अब एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा ये वाला क्यों रॉन्ग है, ओके, अभी टेंशन नहीं लो। फिर इसमें क्या लिखा है, फॉर नॉर्मल वेरिएबल एक्स विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड। अब पूछा है नॉर्मल वेरिएबल जेड कौन सा है, तो जेड का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और नहीं पता चले तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्चुअली में जेड का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये रहा, यानी हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल पूछा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का मतलब जो ऊपर वाला था सेम बस 2 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे 1/2 करके तो ये तो कैंसिल हो गया, वैसे ही ऑप्शन नंबर बी में 1/2 z² 1/2 चाहिए, पूरा लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो माइनस और प्लस इनफाइनाइट, हाँ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। क्लियर है, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। अगर मन करे तो एक बार बाकी का भी चेक कर सकते हो, तो बाकी का चेक करोगे तो फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे 0 है, मैंने फिर से बोल दिया है, वो ही वाला रीजन करके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 लिखा ही नहीं, सिर्फ z² लिखा है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा।
क्लियर है। अब ये माइनस इनफाइनाइट का और प्लस इनफाइनाइट का क्या चक्कर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो होता है ना बेल शेप, मेरा जो ड्राइंग है उतना अच्छा नहीं है, ये जो बेल शेप होता है ठीक है, यहाँ पे होता है जेड इज इक्वल टू जीरो। क्या होता है जेड इज इक्वल टू जीरो, और इसके इस साइड जो वैल्यूज होती हैं ठीक है, इसके जो इस साइड वैल्यूज होती हैं इसको बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट, क्लियर है। उसके उस साइड वैल्यूज को क्या बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट, और इधर के वैल्यू को क्या बोलते हैं प्लस इनफाइनाइट। इट मींस कि जो हमारा जेड होगा ना उसका ऑलवेज जो वैल्यू होगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेके वो प्लस इनफाइनाइट तक होगा। कहां से माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट होगा, दैट्स व्हाई यहां पे ऐसा लिखा था माइनस इनफाइनाइट लेस देन जेड लेस देन प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलो और भी चीजें बता देता हूँ कि यहां से यहां तक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 0.5। क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 0.5, और यहां से यहां तक की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 0.5। क्लियर है, यानी कि दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको कौन सा बोलेंगे, इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट। क्लियर है, लेफ्ट साइड की वैल्यू भी कितनी होगी 0.5 और राइट की भी वैल्यू कितनी होगी 0.5। क्लियर है, इट मींस कि दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा, लेकिन वो कब होगा जब हम ऐड करेंगे तब। क्लियर है इतना, अदरवाइज लेफ्ट की वैल्यू 0.5 होता है और राइट की वैल्यू कितना होता है 0.5 होता है, और जेड की वैल्यू कितना होता है ऑलवेज 0। यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं जेड इज इक्वल टू ऑलवेज 0। बात समझ में आया। अब चलते हैं थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं बाकी चीजें। क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन एंड वेरियंसेस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। यहाँ पे पूछा है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का पूछा है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का, हालांकि आप लोग ने बुक में यही वाला पढ़ा होगा, फिर भी मैं सजेशन दूंगा कि इसकी जो थ्योरीज है, जो प्रॉपर्टीज है उसको एक बार रीड कर लेना। तो बुक में आपके पेज नंबर है 110, यानी कि मेरा हो जाएगा यहाँ पे 115 पे लेके चलता हूँ मैं। हालांकि आपकी बुक में 110 है तो 110 पे ही चेक कर लेना ये रहा, ठीक है। यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, टोटल 8 पॉइंट्स है, तो इसको थोड़ा देख लेना। अब इसमें क्या क्या चीजें देख लेना मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस, तो याद रखना ये कंटिन्यूअस है। क्लियर है, ये कौन सा है, कंटिन्यूअस है। और जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था तो डिस्क्रीट था, डिस्क्रीट क्यों था, उस वाले में ज्यादातर जो वैल्यूज होती थी वो 1 2 3 4 5 6, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होगा कि वैल्यूज होंगी 10 से 20 20 से 30 30 से 40, ऐसा लिखा रहता, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन मतलब कुछ भी हो सकता है ना, दैट्स व्हाई। दूसरा, फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज 1, और हमारा जो क्वेश्चन है वो यही पूछा है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, तो मीन कितना होता है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है 1, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो वेरियंस भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्लियर है, मीन 0 और वेरियंस कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मीन 1 हो गया तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और इसमें दोनों 1 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, अब उसके बाद आगे का थोड़ा रीड कर लेते हैं। आगे लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक टू जेड इज इक्वल टू 0, इट्स स्क्यूनेस इज 0। अगर सिमेट्रिक है मतलब जेड की वैल्यू जो है वो 0 दे दिया है, मान लो किताब में ऐसा लिख देता कि जेड इज इक्वल टू 0, सो इट मींस कि इसकी स्क्यूनेस क्या है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी कर्व इज कंप्लीटली बेल शेप, तो याद रखना समटाइम्स ऐसा पूछता है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी कर्व है वो कैसा होता है, तो याद रखना ऑलवेज बेल शेप होता है, कंप्लीटली बेल सेप्ट, ये वर्ड याद रखना कंप्लीटली, इट मे बी पॉसिबल लिख दे हाफ बेल सेप्ट, ऐसा कुछ कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखना कंप्लीटली बेल सेप्ट। द अप्रोक्सिमेट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज -0.675, फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू था -0.675 एंड थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू था 0.675, और ये किसकी बात करें, हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, सॉरी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद है फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 और मीन डेविएशन इज 4/5, ये थोड़ा याद रखना कि किसकी बात करें, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि अगर आप थोड़ा ऊपर चलोगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यही था ना स्टैंडर्ड नॉर्मल, हाँ स्टैंडर्ड, तो जब सिर्फ नॉर्मल पूछेगा ना तो वो जो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन है ना उसके साथ देखो यहाँ पे सिग्मा भी है, क्लियर है, यही खास डिफरेंस है, जब स्टैंडर्ड नॉर्मल पूछेगा तो सिग्मा नहीं होगा, जब नॉर्मल पूछेगा तो सिग्मा होगा, ओके। उसके बाद इसके अलावा और भी देखोगे तो यहाँ पे जो क्वार्टाइल की वैल्यू है, क्वार्टाइल में फॉर्मूला म्यू -0.675 सिग्मा और म्यू +0.675 सिग्मा, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ 0.675 है, ओके, क्लियर है, तो ये थोड़ा याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे
बाकी 11 में, इलेवन बोल रहा हूँ ये रहा, बाकी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काफी और भी सारी चीजें दी हैं, ये सारी चीजें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लर्न कर चुके हो तो दैट इज टू गुड, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगी, ये बाई एग्जाम है कल तो कुछ बोलना इसमें मैं नहीं चाहूंगा, रीजन आपको हमने जैसा पूरे साल किया वैसे ही करना। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेता है, लाइक पूछ लेता है कि जैसे ऊपर दिखते हैं ऊपर चलते हैं उसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो पूछ लिया म्यू माइनस म्यू प्लस माइनस सिग्मा म्यू, ये म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा, म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 1.9 सिग्मा, 9 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2.575 सिग्मा, तो अगर इसकी वैल्यूज याद है तो बहुत अच्छी बात है, लॉटरी नहीं याद है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो वन है ना ये वन हिडन है, तो सिर्फ क्या करना वन की वैल्यू चेक कर लेना। अब पूछोगे सर वन की वैल्यू का मतलब, तो वन की वैल्यू का मतलब ये है कि लास्ट चैप्टर पेज पे जाओ, तो लास्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है वन, तो जेड की वैल्यू जो है ना वन है ना ये रहा, उस वन में जीरो की वैल्यू चेक करो 0.3413 होगा, तो 0.3413 का मतलब ये हुआ कि फिर से 115 वाले पेज पे चलते हैं, तो 0.3413 राइट। तो ये तो वन एक साइड का हुआ, लेकिन यहाँ पे दो लिखा म्यू प्लस और म्यू प्लस और माइनस है ना, इसलिए दैट्स व्हाई क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा 0.6826 हो जाएगा, यानी ये रहा ना क्लियर है। इन द सेम वे अगर टू वाले का भी चेक करो तो ऐसा ही होगा, एक बार चेक कर लेते कंफर्म करने के लिए, तो कौन सा पेज था तो सबसे लास्ट पेज है, तो टू की वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे टू की वैल्यू है 0.4772, क्या है 0.4772, और अपने पेज पे चलते हैं 113, 0.4772 का मतलब क्या हो जाएगा 0.4772 हमारे बुक में जो होता है ना वो सिर्फ चार डिजिट तक दिया रहता है, 1 2 3 4 डिजिट तक, बट एक्चुअल जो लॉग टेबल आता है ना ओरिजिनल वाला उसमें 5 डिजिट तक दिया होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 4 5 हो जाता है, ठीक है। यानी इस तरह से आप पूरा काउंट कर सकते हो, क्लियर है इतना। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो याद रखना तुम्हें बहुत काम आ जाएगा, और बाकी का भी इसका थोड़ा देख लेते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। जैसे ये वाला फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड आर सेम इन नोटेशन वी कैन से म्यू इज इक्वल टू मीन इज मीडियन इज इक्वल टू मोड राइट, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू एंड इट्स यूनिट इज जीरो, ये वाला हो गया। फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब मीडियन इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली बेल सेप्ट, और ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल कर्व इज एसोम्प्टिक सिम्प्टोटिक, अब इसको सिम्प्टोटिक बोलेंगे एसोम्प्टिक बोलेंगे जो भी बोले वो प्रोनाउंसिएशन से समझ लेना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेल्स नेवर टच एक्स एक्सिस। अब ये कैसे है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है ना वो देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया है, वो मैंने इसके ऐसे लेकर गया हूँ, ठीक है, ये ऐसे लेकर गया हूँ, इट मीन्स कि मैंने ना टच नहीं किया, ध्यान से देखो ये ऐसे दूर दूर ही जा रहा है, क्लियर है। इसका मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप्ड कर्व होता है वो कभी भी ये जिसको टच नहीं करता इस लाइन को, क्लियर है। तो ये याद रखना एग्जाम में गलती से ऐसा भी टच नहीं होना चाहिए, बात समझ में आया। तो ये तो तुम लोग का जो भी बेसिक है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, अब थोड़ा एमसीक्यूज देख लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा भाई क्या है क्या नहीं है। जितना हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा ना सारे एमसीक्यूज इसी में से पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में से। जैसे नेक्स्ट देखो, What is the total area under normal curve among the following? बोला ना total area, क्या पूछा है total area, एक मिनट ये गलत लाइन खींच दिया, पहले क्वेश्चन को समझा करो, टोटल एरिया पूछा है ना, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया तुम लोगों को कि टोटल एरिया की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, आंसर हो जाएगा कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन सी 1। फिर उसके बाद लिखा है वट इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व to the right hand side of perpendicular line x is equal to mu, perpendicular line मतलब जो line draw किया हुआ है ना उस line के right side की value क्या होती है, तो मैंने clearly बताया कि right हो left हो कोई भी side हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही side की जो value होती है वो कितनी होती है 0.5 होती है, clear है। फिर लिखा है in normal distribution usually which limits include 99% of observation, अब देखो मुझे इसका answer नहीं याद है, literally मुझे answer इसका नहीं याद है, तो अब बोलोगे सर आपको कैसे नहीं पता, मैं मुझे सच में नहीं याद है, तो मैं पता कैसे सॉल्व करूंगा, 99 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, क्या कर दूंगा 99 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर मेरा आ जाएगा 49.5, यानी कि 0.495, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज को 100 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 0.495, ध्यान से सुनना,
99% को मैंने डिवाइड किया 2 से, फिर परसेंटेज था तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो क्या होगा 0.4495। अब बोलोगे सर ये कैसे पता, अब ये क्या है, तो तुम लोग क्या करो कि अगर तुमको याद है तो बात अलग है, याद नहीं है तो ये तरीका इस्तेमाल करना है, याद है तो जो आंसर है वो टिक कर दो सीधा, नहीं याद है तो मैंने जैसा बोला वैसे ही करना, 40 जो भी होगा डिवाइड करोगे डिवाइड बाई 100 कर देना तो 0.495 होगा। अब चलो टेबल में, अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ एरिया, ये क्या दिया हुआ एरिया, क्लियर है, तो एरिया अगर दिया है तो यहाँ पे सीधा टेबल में जाओ और एरिया चेक करो, तो एरिया चेक करोगे तो 0.495 क्लियर है, तो 0.495 जो है ना यहाँ पे देखो 4949 और 4951 है, क्लियर है 4949 और 4951 है, और ये कहाँ पर है 2.5, तो 2.5 थोड़ा इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, और ये तो कुछ ज्यादा छोटा हो गया, हाँ तो ये कहाँ पे आ रहा है 2.5 जो है वो किस में आ रहा है 7 में और 8 में, 2.5 7 और 8, 2.5 7 8, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.5 7 प्लस 2.5 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको जब सॉल्व करोगे 2.57 प्लस 2.58 डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगा 2.575, इट मींस आंसर हो जाएगा ये वाला, क्लियर है, तो इस तरह से तुम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो चाहे जितने भी आए, आज सब बात समझ में आई, तो चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग काम, यहाँ इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर इंक्लूडेड इन म्यू प्लस माइनस सिग्मा, राइट, प्लस माइनस सिग्मा, मैंने क्या बोला था इसके बीच में वन होता है, और वन की वैल्यू कितनी होती है 0.0413, और मल्टीप्लाई बाय टू करोगे कितना हो जाएगा 0.6813, बस क्या कर देना है, सॉरी 13 बोला 0.6826 हो जाएगा, ठीक है 13 दूना 26 होता है ना, तो 6826 100 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 68.26%, तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 68.26। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यूज याद है तो डायरेक्टली वैल्यूज, अगर वैल्यूज याद नहीं है तो आप इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और सेम नीचे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल, याद रखना यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल लिखा है और यहाँ पे फॉर नॉर्मल वेरिएबल, और मैंने क्लियरली ऊपर एक्सप्लेन किया जो हम लोग ने प्रॉपर्टीज रीड किया उसमें मैंने समझाया कि नॉर्मल होगा तो सिग्मा होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा तो सिग्मा नहीं होगा, तो यहाँ पे पूछा है मीन, मीन का फॉर्मूला 4/5, तो 4/5 सिग्मा किधर है, ये रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, क्लियर है कौन सा आंसर हो जाएगा ये, चलिए अच्छा सिलेक्ट नहीं किया मैंने, आंसर होगा 4/5 सिग्मा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और इसमें क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये क्या पूछा क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन 2/3, गलती से सिग्मा वाला टिक मत कर देना, क्या होगा 2/3 होगा, सिग्मा वाला कब टिक करना होगा जब पूछेगा नॉर्मल वेरिएबल, क्लियर है फॉर नॉर्मल वेरिएबल, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहाँ गया, ये रहा, नेक्स्ट में बोला है मीन एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 11 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल, अब यहाँ पे बोला है मीन, क्या बोला है मीन एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, याद होगा अभी जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो प्रॉपर्टीज में मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई, मैंने क्या बोला यहाँ पे, ऐसे मैंने बोला प्रॉपर्टीज में बोला म्यू इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, राइट, ये ऐसा मैंने बोला, और उसी के नीचे एक प्रॉपर्टी था जिसमें ऐसा था मीडियन इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा था राइट। अब क्वेश्चन में रीड करते हैं, यहाँ पे लिखा है मीन, मीन मोड मीडियन सब इक्वल है तो मीन का वैल्यू मीडियन के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 11, क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब Q3 दिया ही नहीं है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करोगे क्या 11 दूना 22, राइट, तो Q3 प्लस 3 इज इक्वल टू 22, सो Q3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, क्लियर है, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 19 आ रहा है, और ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये है 11 नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ मीन डेविएशन इज 20, क्या बोला है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इज 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल, यहाँ पे बोला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, किसका पूछा है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है 4/5 सिग्मा,
क्लियर है, और यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो इसलिए हम 4/5 सिग्मा कर देंगे, ओके। और वो वैल्यू आंसर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, पर हम लोग को पूछा है क्वार्टाइल डिवीजन, और क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला होता है 2/3 सिग्मा। मतलब ये है कि सिग्मा तो चाहिए ही चाहिए हम लोगों को, और सिग्मा तो दिया नहीं है, चलो यहाँ पे सिग्मा मिल जाएगा। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 20 × 5/4, तो 4 × 1 = 1 और 4 × 5 = 20, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 25। क्लियर है, सिग्मा इज इक्वल कितना जाएगा 25। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे तो 2/3 × 25, तो 25 × 2 कितना हो जाएगा, 50/3। क्लियर है, तो जो आंसर है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना QD क्वार्टाइल डिवीजन और MD मीन डिवीजन। क्लियर है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50/3। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है इन यूजुअल नोटेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स इज इक्वल टू 25, म्यू इज इक्वल टू 20, सिग्मा इज इक्वल टू 5, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, मतलब जेड की वैल्यू पूछा है सिंपल लैंग्वेज में। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, एक्स की वैल्यू कितना है 25 − 20/5, तो ये हो जाएगा 5/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 13 का A। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मीन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल x इज 50, क्या बोला है, मीन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज x इज 50, इफ द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर इज -2.5 फॉर x इज इक्वल टू 25, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएंसेस, पूछा है वेरियंस पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जेड स्कोर दिया, तो जेड की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर, नहीं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, तो क्या होगा, दोनों दो क्वेश्चन है ना, तो लास्ट में दोनों का यूटिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ एक बार अलग कलर से, कलर कलर से, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, और जेड की वैल्यू है -2.5, एक्स की वैल्यू कितना है 25, और मीन की वैल्यू कितना है, मीन की वैल्यू 50 दिया है, तो -50/σ। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2.5 − 25 = σ, अब ये क्रॉस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू −25/−2.5, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 25 × 10। क्यों, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट था एक वन डिजिट के बाद, तो वन डिजिट पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर से ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 25 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया 10। पर सिग्मा नहीं पूछा था हम लोग को, सिग्मा नहीं, हम लोग को वेरियंस पूछा था, और ये क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरियंस क्या हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 100। क्लियर है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो इट मीन्स कि चेक करते हैं 100 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए 10 भी है और 100 भी है, थोड़ा समझदारी से दिखाना और हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाए, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल, ध्यान से सुना, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल इज शोन एज N 24, then which of the following intervals include 99.73% of observation? अब पूछा कि कौन सा ये मतलब इंटरवल में आएगा, तब कौन सा इंटरवल में आएगा ये कैसे पता चलेगा, इसका सिंपल है, 99.73 पूछा है ना, तो 99.73 मतलब कौन सा होता है, 1, 2, 3, 2.5, 7, 5 कौन सा होगा, तो 99.73 कैसे में लिखो, 99.73/2, तो यार है 0.49865, मतलब 99.73% है, और जो आंसर उसको मैंने क्या बोला, 100 से डिवाइड कर लेना, राइट। तो 100 से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.49867 हो जाएगा, तो चेक कर लो 4987 ये रहा, यानी 3 की वैल्यू दिख रहा है, ये रहा, ये देखो ये तीनों में 8787 ही है। तो अब बोलोगे सर तीनों में से कौन सा ले, तो ऑलवेज फर्स्ट वाला ही लेना होता, राइट, यानी एक्चुअली में ये 3 का आंसर है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, तो हम लोग को चाहिए म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, के लिए हम लोग को म्यू चाहिए और सिग्मा चाहिए, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन इज इक्वल टू 20 और 4, क्लियर है, क्या लिखा है, एन इज इक्वल 20 और 4। तो एक बात याद रखना कि ये इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली एक फॉर्मूला है जिसका ऐसे होता है म्यू और सिग्मा स्क्वायर,
राइट। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों कंपेयर करने क्या पता चलेगा कि म्यू की वैल्यू है 20 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 4, राइट। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये याद रखना, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब क्या करो, बस वैल्यू उसको पुट कर दो, तो 20 प्लस माइनस 3 इंटू 2, तो 20 प्लस माइनस 3 टू जा 6, तो 20 प्लस 6 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 20, हालांकि पहले माइनस करते हैं तो पहले माइनस ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14 और 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26, तो आंसर क्या आ रहा है 14 और 26। अब चेक कर लो 14 और 26 कहाँ दिया, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी में, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। सो आई होप कि आपको 1, 2 एंड 3 सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट रहता है मन में, कोई भी दिक्कत होगा तो डेफिनेटली मुझे बता देना, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है अभी लिमिट। अब इसमें भी ज्यादातर चीजें आपको आराम से आ जाएंगी, जो मेन हम लोग को मशक्कत करनी है वो चैप्टर नंबर 5 में करनी है। यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूँ आपको, ओके। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4 को समझते हैं। अब बात करते हैं अगर एक्सरसाइज 4 की, यानी चैप्टर नंबर 4 की सेक्शन ए की, तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मॉड्यूलस वाले, नेबरहुड वाले ही आते हैं और इंटरनल वाले, यानी ये तीन टॉपिक है। तो ये तीन टॉपिक को सबसे पहले मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कि इनको क्या है, कैसा है, फिर आपको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये है बेसिकली आपका पेज नंबर 143, राइट। तो 143 को मैं 145 कर देता हूँ, नहीं 146 कर देता हूँ, क्योंकि दो तीन पेज मेरा आगे ही होता है। हाँ ये बोला ना, दो तीन पेज आगे ही होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा चेक कर रहे थे क्या है कैसा है। तीन चीजें हैं, क्या क्या है, मॉड्यूलस है, राइट, इंटरवल है, और थर्ड क्या है, नेबरहुड। क्लियर है, तो तीनों का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले किसका है, सबसे पहले है मॉड्यूलस का। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूलस, तो इससे क्या होगा कि हम लोग का अगर सब सामने फॉर्मूला लिखा होगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मॉड्यूलस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्लियर है। फिर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में है नेबरहुड। सेकंड में क्या है, नेबरहुड। और नेबरहुड का फॉर्मूला क्या है, नेबरहुड का फॉर्मूला इट इज डिनोटेड बाय एन ए डैश डेल्टा। क्लियर है, नेबरहुड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए डैश डेल्टा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेबरहुड, मैं सिर्फ एन एच लिख देता हूँ, नहीं नेबरहुड में नेबर चलेगा, नेबरहुड में एन एच लिख देता हूँ सिर्फ, ये थोड़ा सा कलर भी कर देता हूं। तो क्या है, नेबरहुड में एन एच, इसका मतलब ये हो जाएगा एन ए डैश डेल्टा। क्लियर है। एंड थर्ड थर्ड है इंटरवल। थर्ड क्या है, इंटरवल। इंटरवल फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटरवल का जो फॉर्म का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। क्लियर है, ये होता है हमारा इंटरवल का फॉर्मूला। अब क्वेश्चंस को रीड करोगे, मैच करोगे और आंसर सीधा लिखोगे। जैसे लिखा है व्हाट इज द मॉड्यूलस फॉर्म ऑफ 0.3 नेबरहुड ऑफ 3। क्या बोला है, मॉड्यूलस फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, राइट। और बोला है यहाँ पे फॉर्म ऑफ 0.3 नेबरहुड ऑफ 3, यानी 3 का नेबरहुड है 0.3 और तुम्हें एक्सप्लेन करना है। अब याद रखना ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा अगर इसको ये जो 3 दिया हुआ है यहाँ पे, ये बोला है कि नेबरहुड ऑफ 3 है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, रुको इधर है, ये रहा, हाँ नहीं है, छोड़ो रहने दो, मिल नहीं रहा, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, तो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 0.3 नेबरहुड ऑफ 3, तो 0.3 है वो नेबरहुड किसका, 3 का। तो यहाँ पे अगर मॉड्यूलस देखो, यहाँ पे देखोगे ठीक है, नेबरहुड वाला मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो नेबरहुड में अगर यहाँ पे देखो कौन किसका नेबरहुड है, तो ये जो डेल्टा होता है वो ए का नेबरहुड होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉमा
0.3, क्लियर है? यानी ये इस फॉर्म में है एक्चुअली में, n 3, 0.3। अब उसको फॉर्म कर, उसको लिखना है मॉड्यूलस के फॉर्म में, तो मॉड्यूलस के फॉर्म का मतलब x माइनस ए, x माइनस थ्री। अब चेक करो x माइनस थ्री के अनुसार, तो ये कैंसल हो जाएगा, ये वाला हो सकता है x प्लस थ्री, ये भी कैंसल हो जाएगा, x माइनस थ्री ये भी हो सकता है नहीं हो सकता है। सेकेंड क्या होता है, लेस देन डेल्टा, तो लेस देन डेल्टा मतलब लेस देन बोला है ना, तो ये तो ग्रेटर देन है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, और बचा कौन सा, ये वाला, यानी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये इसलिए मैंने तुमको बता दिया, इतना डिटेल में एक्सप्लेन करा, रीजन ये है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने आप को शांत रख के ये फॉर्मुला ऐसा हो तो लिख लिया करना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म ऑफ 0.02 नेबरहुड ऑफ -2, नेबरहुड ऑफ -2 यानी सेम वैसे ही लिख लो, राइट, -2, 0.02, क्लियर है, -2, 0.02। अब इंटरवल का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, तो एक लिखते हैं -2, ठीक है, -2, -0.02, ठीक है, फिर कॉमा प्लस होगा दूसरा वाला, प्लस 0.02, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 2.02, ये एक हो जाएगा, और माइनस टू में से 0.02 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा -1.98। क्लियर है? ये याद रखना, कैलसी तुम्हारे पास है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, साइन माइनस का बड़ा इसलिए माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है वैसे भी, और साइन माइनस का बड़ा इसलिए वो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, -2.02 - 1.98, तो -2.02 फर्स्ट है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो माइनस माइनस है, मतलब इन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन हमारे 1.98 है, दोनों में 98 है, बट एक माइनस में है, तो माइनस में ये वाला है, इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू का सी। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म ऑफ एक्स माइनस फाइव लेस देन 0.25, इंटरवल फॉर्म, तो ये कौन से फॉर्म में लिखा है, तो ये मॉड्यूलस की फॉर्म में है, यानी ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा, ए और डेल्टा, तो ए माइनस डेल्टा यानी फाइव माइनस 0.25, तो फाइव माइनस 0.25 करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट, चलो लिख के दिखा देता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव माइनस 0.25 और फाइव प्लस 0.25, तो फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव करोगे तो ये हो जाएगा 4.75, और इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 5.25, यानी 4.75 और 5.25, यानी एक्चुअली में आंसर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। क्लियर है? समझ में आता है, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड का फर्स्ट वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म ऑफ 2x + 1 < 1/5, पूछा व्हाट इज द इंटरवल फॉर्म ऑफ 2x + 1 < 5। अब इसका इंटरवल पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर इसको चेक करो कौन सा वाला, तो मॉड्यूलस दिया है, मॉड्यूलस मतलब एक्स माइनस ए, पर यहाँ पे लिखा हुआ 2x + 1 < 1/5, और यहाँ पे है माइनस ए, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली में जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया या क्लियर है? जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा वो ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या लिखा है, 2x क्वेश्चन प्रॉपरली लिख लेते हैं, 2x, एक मिनट, हाँ चल रहा है, ठीक, आई थॉट कि चल नहीं रहा प्रॉपर से, 2x + 1, फिर ये मॉड्यूलस < 1/5, क्लियर है? तो अब याद रखना एक बात, सबसे पहली बात याद क्या रखना है कि a की वैल्यू जो है वो -1 हो गया। पूछूंगी कैसे, हमारा जो फॉर्मूला है वो है x माइनस ए मॉड्यूल और < 1/5, राइट, और ये जब बाहर जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि मॉड्यूलस के बाहर यानी जो लाइन होती है ना, इस लाइन के बाहर जो वैल्यूज जाती है वो साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है? तो याद रखना कि इसके बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5। क्लियर है? लेकिन फिर भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो क्वेश्चन में होता है, मतलब जो हमारा मेन फॉर्मूला, उसमें यहाँ पे x होता है और इसमें 2x दिया है। क्लियर है? तो जब 2x दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, किसके डिवाइड में जाएगा, ये दोनों के डिवाइड में जाएगा। अब कैसे जाएगा वो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इंटरवल पूछा है ना, क्या पूछा है, इंटरवल, तो पहले वो फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं बताता हूँ डिवाइड में कैसे जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है, जब ऐसे करके कोई वैल्यू होती है तो हम डिवाइड में ही तो करते हैं ना, तो ये याद रखना, जब भी ऐसा होगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है वो देख लो, तो इंटरवल ही फाइंड आउट करना था ना, एक मिनट देख लू मैं, हाँ इंटरवल ही फाइंड आउट करना था। इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरवल का फॉर्मूला होता है a प्लस
डेल्टा और ए माइनस डेल्टा, तो यहाँ पे माइनस वन, क्लियर है? क्या है? माइनस वन प्लस 1/5, क्लियर है? और यहाँ पे क्या है? माइनस वन बाई फाइव। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस वन नहीं, -5 -1 डिवाइडेड बाय 5। पूछोगे सर ये कैसे हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1 हो गया, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 5 होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, ये नाइंसाफी है। तो हमने जैसा अकाउंट्स में पढ़ा है कि ऊपर से 5 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 5 से डिवाइड कर दो, इन सेम वे इसमें भी सेम रूल अप्लाई किया, तो ये -5 हो गया और ये प्लस 1 है, -5 और -1 है, क्लियर है? तो -5 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? -4 डिवाइडेड बाई 5 और -6 डिवाइडेड बाई 5, क्लियर है? ये है प्लस वाला और ये है माइनस वाला। तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि पहले माइनस लिखते हैं कि पहले प्लस लिखते हैं, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो हम लोग पहले क्या लिखते हैं? माइनस वाला लिखते हैं, तो मैंने उल्टा लिख दिया था, तो इसका जो आंसर होगा वो किस तरह से होगा? -6 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 5, क्लियर है? तो ये आंसर जो है वो हाफ है, क्योंकि अभी तक मैंने ये 2 का सॉल्यूशन नहीं किया, मैंने क्या बोला ये 2 डिवाइड में होगा, तो डिवाइड का मतलब इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि तो डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो डिवाइड बाय 2 का मतलब ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 10 और -4 डिवाइडेड बाई 10, क्लियर है? तो -6 डिवाइडेड बाई 10 और -4 डिवाइडेड बाई 10, तो थोड़ा क्वेश्चन में चलते हैं, चेक करते हैं -6 डिवाइड बाई 10 और -4 डिवाइड बाई 10 कहाँ पर है, तो -6 और -4, तो -6 और -4 ये रहा, क्लियर है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, क्लियर है? सो आई होप कि दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट इज द मॉड्यूलस फॉर्म ऑफ फाई कॉमा 0.02। अब मॉड्यूलस फॉर्म क्या होता है? तो मॉड्यूलस फॉर्म अगर ऊपर देखोगे तो होता है एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे क्या होता है? ए और यहाँ पे क्या डेल्टा है? तो फर्स्ट वाला है ए और सेकेंड वाला है डेल्टा, राइट? तो एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस फाइव यानी ये दोनों पॉसिबल है, लेस देन डेल्टा, तो लेस देन डेल्टा सॉरी लेस देन डेल्टा, तो लेस देन कौन सा, ये वाला या ये वाला? तो डेफिनेटली ये वाला है, ऑप्शन नंबर डी, राइट? तुम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है? तो अभी अगर ध्यान दिया होगा जितने भी हमने क्वेश्चन किए सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इन्हीं तीनों फॉर्मूला पे डिपेंड थे, क्लियर है? सो इट मींस कि आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अच्छे से देख लेना है और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेना जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी लगभग आते ही आते हैं। ओके, हालांकि एमसीक्यूज में भी मैं सारी चीजें कवर करवा दे रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब सेकंड वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा इफ मॉड्यूलस फॉर्म ऑफ एन ए डैश 0.07 इज एक्स माइनस 10 लेस देन के, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये होता है ए लेस डेल्टा और ये होता है एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, क्लियर है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे के डेल्टा की वैल्यू नहीं दी है पर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू दी है, और यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं दिया लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू दिया, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछता है तो बस तुम क्या करो फॉर्मुला लिखो, कंपेयर करो और आंसर लिखो डायरेक्टली। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.07, इट मीन्स हमारा जो ये वाला है पॉइंट वो आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस 3 3x-1। अब इसका मतलब क्या है, जब ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो मतलब डायरेक्टली तुम वैल्यू रख सकते हो, याद रखना कि अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। तो डायरेक्टली वैल्यू कितना 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3-1, तो 3 × 3 = 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा 7 का आंसर नंबर 8 यानी डी हो जाएगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस 4 और लिमिट ये रूट में दिया 4x+9, तो क्या इसका कोई फैक्टर पॉसिबल है? इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज रख देते हैं। तो डायरेक्टली वैल्यूज रखोगे तो क्या होगा, 4 × 4 + 9 क्या हो जाएगा, 4 × 4 + 9, राइट? तो यहाँ पे होगा 16 + 9, 16 + 9 का मतलब ये हो जाएगा 25 रूट में। अब जब रूट के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गलती से 25 टिक मत कर देना। ओके, तो हो जाएगा आंसर नंबर 5 यानी सॉरी आंसर नंबर ए, क्लियर है इतना? अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टेंस टू -2 10।
अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, देखो दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, एक 3x-1 सॉल्व किया और एक 4x+9 सॉल्व किया, और दोनों ही क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को x दिया हुआ था, तो हम लोगों ने ये जो वैल्यूज थी वो हमने x में पुट कर दिया, राइट। बट यहाँ पे हमें x है ही नहीं, जब x है नहीं तो हम वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इसमें डिफॉल्ट हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट डायरेक्टली वही हो जाएगा कि a = 10, हमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर a 10। क्लियर है? देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग क्वेश्चन हद से ज्यादा इजी आ जाता है, क्लियर है? तो दिमाग में ज्यादा कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x→3 x^4 -81 और x-3। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको बोला कि सॉल्व करके बताओ फिर यहाँ पे वैल्यूज क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले x^4 -81 डिवाइडेड बाय x-3, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं नीचे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको है ना लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी एक्सरसाइज सेक्शन ए सी डी ई में भी, सी डी में भी पूछ सकता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करके वो देखो, x^4 -81 डिवाइडेड बाय x-3, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और फिर और भी क्या था, बाकी का वैल्यू क्या था, लिमिट x→3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट x→3, राइट। अब ये देखो, जो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो x^4 है -81 है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं a² - b² में। कैसे? तो यहाँ पे देखो, ये x^2 - 9² कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a + b और a - b। इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x² + 9x² - 9, ये हो जाएगा सॉल्यूशन, क्लियर है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये अगेन हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पूछोगे कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 3² क्लियर है, ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसका जो सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 और हो जाएगा x - 3, क्लियर है। इट मींस कि जो हमारा फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x² + 9 और ये हो जाएगा x + 3 और x - 3, क्लियर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको लिखेंगे लिमिट x→3। ये जो मैंने पूरा सॉल्यूशन किया, तुम डायरेक्टली ऊपर ऊपर भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे साइड में लिख के दिखा दिया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे लिखोगे x² + 9, फिर क्या लिखा है, x + 3 और x - 3 डिवाइडेड बाय x-3, क्लियर है। तो -3 - 3 वाला कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x² + 9 और यहाँ पे x + 3, क्लियर है। अभी x की वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x→3, तो x की वैल्यू क्या है, 3, तो 3² + 9, राइट। ये फर्स्ट वाला हो गया, फिर यहाँ पे लिखा है 3x + 3, तो 3 + 3, तो 3² कितना हो जाएगा, 9 + 9 और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, ओके। तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 × 6, तो 18 × 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 6, तो ये हो जाएगा 108। इट मींस कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, क्लियर है। तो चलते हैं देख लेते हैं आंसर 108 दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पे 192 है, 324, 36 और 108, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 108, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x→-1 x^5 + 1 x + 1 ? राइट। अब ये पूछा कि इसका भाई सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका मैं तुम लोग बता देता हूँ, क्योंकि इसका ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, समझ लो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन तुम्हें इसका समझाता हूँ, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x→-1, फिर है x^5 + 1 डिवाइडेड बाय x + 1, क्लियर है। x^5 याद रखना, जब भी कभी ऐसा दिया हो नॉर्मली जिसका फैक्टर पॉसिबल ना हो, तो मैं लिख देता हूं फैक्टर पॉसिबल और ना हो, और एक मिनट, फैक्टर पॉसिबल ना हो, क्लियर है। और ये ऐसा पावर वाला ही दिया, याद है ना, पावर वाला ही दिया, यानी x^n करके समथिंग करके ऐसा कुछ करके लिखा होगा, ओके। यानी जब ऐसा लिखा हो और फैक्टर पॉसिबल ना हो, एक छोटा सा फॉर्मूला इन लोगों ने दिया है, और वो फॉर्मूला क्या दिया वो मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये दिया है कि x^n
माइनस ए पावर ऑफ एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, क्या है एक्स माइनस ए, इसको फिर बाद में कन्वर्ट कर देते हैं एन ए एन माइनस वन। क्लियर है? मतलब ये बोला है पहले जो हमारा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और उसके बाद इसको यहाँ पे इसका ये सॉल्व कर दो। क्लियर है? यानी एन ए एन माइनस वन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखोगे तो एक्स पावर ऑफ फाइव है प्लस वन है, लेकिन हमारा यहाँ पे एक्स पावर ऑफ एन माइनस ए पावर ऑफ एन, उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे लिखोगे एक्स पावर ऑफ फाइव, फिर यहाँ लिख दोगे माइनस माइनस वन पावर ऑफ फाइव। अब पूछोगे सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों कर दिया, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन प्लस में है। तो थोड़ा ध्यान से सुनो, जब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फाइव टाइम मल्टीप्लाई करोगे कैसे भी, अगर चाहो तो एक बार ट्राई कर लेना कि लिखो माइनस, ठीक है, और उसका फाइव टाइम इसको कर लो तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, माइनस में ही आएगा, यानी माइनस वन ही आएगा। तो माइनस वन और माइनस वन मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑटोमेटिक ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसी में। क्लियर है? दैट्स व्हाई मैंने वहां पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स माइनस माइनस वन। क्लियर है? ये जो प्लस वन है उसके बदले मैंने क्या लिखा, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मेट था सेम फॉर्मेट पे मैंने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस वाले फॉर्म में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो एन एन मतलब ये जो पावर है यानी फाइव। क्लियर है? उसमें ए ए की वैल्यू कितनी है, माइनस वन। क्लियर है? फिर एन माइनस वन यानी फाइव माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव माइनस वन पावर ऑफ फोर। अब माइनस वन है और उसका पावर फोर करोगे तो माइनस वन है उसका पावर फोर करोगे तो ये हो जाएगा प्लस में। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइव आ जाएगा। बात समझ में आया? यानी जो ऑड इवन नंबर वाला होता है ना वही वाला ध्यान रखना है। क्लियर है? ऑड नंबर होगा तो माइनस में आएगा, इवन नंबर होगा तो प्लस में आ जाएगा। बात समझ में आया? तो आंसर कितना आएगा हमारा, फाइव आएगा। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं कि फाइव आंसर किधर दिया हुआ है, तो फाइव आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन, सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या लिखा हुआ है, यू इफ वाई इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री एक्स एंड एक्स टेंस टू माइनस थ्री, देन वाई टेंस टू विच वैल्यू। अब डायरेक्टली कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो वाई की वैल्यू क्या बोला है, टेन माइनस थ्री एक्स, राइट, और एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू है माइनस थ्री, तो थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, यानी टेन प्लस नाइन, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टेन प्लस नाइन मतलब कितना हो जाएगा, नाइनटीन हो जाएगा। क्लियर है? सो इट मीन्स कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वेल्थ का सी हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या हो जाएगा आंसर, ट्वेल्थ का सी। क्लियर है इतना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है इतना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन नेक्स्ट चैप्टर पे। ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 12 क्वेश्चन ही है। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है और वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 5, चैप्टर नंबर 5। क्लियर है? अब ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन भी होता है, तो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे थ्योरी के तौर पर भी थोड़ा लिख दूंगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, समझ लेना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर को कि क्या है कैसा है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलाज है जो लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स का, यानी जो फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये कैसे लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ समथिंग करके दिया हो, लाइक जैसे एक्स पावर ऑफ n, तो जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो कैसे होगा, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, याद रखना डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो कैसे हो जाएगा, एन इंटू, याद रखना एन इंटू एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, यानी ये जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर एक्स में एक्स पावर ऑफ एन, यानी सेम टू सेम कॉपी करो, बस एन माइनस वन कर देना है। क्लियर है? तो ये तुम्हें याद रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्या सॉल्व करना होता है, और फिर जो जो चीजें आती जाएंगी वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आप यहाँ देखो, पहला ही जो है वो डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछा है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, लिमिट एच एक्सटेंड्स टू एक्स, फिर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ, अच्छा मैंने एच लिख दिया था गलती से, ओके ओके ओके, जरूर जरूर जरूर, इसका एक सेकेंड, हाँ वो मैं रेक्टिफाई। एक्चुअली जो फॉर्मूला आया ना वो ज्यादातर कॉलेजेस में ऐसे लिखते हैं, तो मैंने वही वाला लिख दिया आपको, आपकी बुक में एच कर एक्स करके लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूँ।
यानी कि एक्स प्लस एच, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्लियर है, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आप कॉलेज में जाकर आपको पता चल जाएगा हम लोग एक्स लिख रहे हैं वहां पे ए प्लस एच और एफ ऑफ ए लिख देते हैं, तो क्लियर है। तो ये मत सोचना कि मैंने गलत बताया आपको या मैंने गलत लिख दिया, मुझे पता नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना प्रैक्टिस मैंने किया है कि मैं आपको सही ही बताऊंगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, क्लियर है, ये फॉर्मूला था। और एक्स टेंस टू जीरो होगा, याद रखना क्या होगा, एक्स एक्स टेंस टू जीरो, ये मेन है। ओके, ये याद रखना है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्स प्लस एच सब में है सिवा इसमें नहीं है, राइट। और यहाँ पे एफ प्लस एफ एक्स, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों फॉर्मूला ध्यान से तो पूरा का पूरा डिटो का डिटो सेम है, बस मैंने क्या बोला डिफरेंस किस में आ जाएगा, इस वाले लिमिट में, यहाँ पे एक्स टेंस टू एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है एच टेंस टू जीरो, इट मीन्स की जो हमारा आंसर होगा वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, क्लियर है। यानी छोटी छोटी वैल्यूज का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो इन सब चीजों को भी थोड़ा ध्यान देना है और प्रॉपरली देखना कि क्या तुम लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में लिखा है व्हाट इज डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स पावर ऑफ एन, क्या लिखा है, व्हाट इज डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स एन, क्लियर है। ए एक्स पावर ऑफ एन एंड ए इज कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट, और अभी मैंने बताया डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब था डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, राइट। और ये अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि जब भी ऐसा दिया हो, राइट, एक्स पावर ऑफ एन करके लिखा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एन एक्स एन माइनस वन। अब यहाँ पे ए भी दे दिया है, तो यानी ए दे दिया तो बाहर बस क्या कर देना, ए लिख देना, यानी ए एक्स एन, क्लियर है, ए एक्स पावर ऑफ एन, तो ए को जैसा दिया वैसा ही कॉपी कर, तो रीजन है ए इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, याद रखना जब भी कॉन्स्टेंट नंबर हो एक्स के साथ तो उसको सिर्फ कॉपी कर देना होता है और सिर्फ एक्स वाले का सॉल्यूशन करना होता है, एक्स वाले का सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा, एक्स एन माइनस वन, क्लियर है, और एन को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देना होता है, यानी पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए एन एक्स पावर ऑफ एन माइनस वन, क्लियर है। तो अब चेक करोगे तो कौन सा वाला हो रहा है, तो सिर्फ यही वाला पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ए एन एक्स एन माइनस वन है, इसमें तो प्लस वन है, इसमें जीरो, और इसमें सिर्फ एक्स पावर ऑफ एन का सॉल्व किया है, क्लियर है, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर थ्री वाले की। नंबर थ्री वाले में क्या लिखा है, इफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी बोथ आर कॉन्स्टेंट, अब इसका क्या होगा, याद रखना कैसे सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी, सबसे पहले याद रखना कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो मैंने क्या कहा, जो कॉन्स्टेंट वाला होता है उसको पहले कॉपी कर दो और फिर उसके बाद एक्स का पावर यहाँ पे कितना वन है, तो वन को मल्टीप्लाई में लिख दो, फिर वन माइनस वन कर दो, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, वन ए एक्स पावर ऑफ जीरो, इट मीन सिर्फ ए बचेगा, क्लियर है, तो ये हाफ सॉल्यूशन है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू की, तो याद रखना जब कॉन्स्टेंट वैल्यू का हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, क्लियर है, ऑलवेज क्या होगा, जीरो, यानी ए प्लस जीरो मीन आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल ए हो जाएगा, क्लियर है। याद रखना कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव अगर सॉल्व करना हो तो ऑलवेज क्या होगा, जीरो, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू किसी एक्स के साथ में है तो उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना था जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री का ए, क्लियर है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री का ए, ये याद रखना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट, इसका पूछा है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो चलो यहां पे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसका फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव, डी डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो एक चीज याद रखना, जब भी कभी, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि एक्स स्क्वायर एक्स पावर ऑफ एन करके होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्स पावर ऑफ एन, फिर इसको सॉल्व करते हैं एक्स एन माइनस वन, ठीक है, ऐसा कुछ सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डिवाइड में है, तो जब डिवाइड में हो तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको ऊपर लेके आ जाओ, नीचे प्लस में है ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए, क्लियर है। ये एक्चुअली ये रूल होता है, हमने बचपन में पढ़ाया गया होता है, ए पावर ऑफ एम फिर डिवाइडेड बाय ए पावर ऑफ एन, इट मीन्स ए पावर ऑफ एम माइनस एन हो जाता है, क्लियर है। तो ये याद रखना, जब डिवाइड में होगा ऊपर में आएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस टू। तो मैंने क्या बोला, एक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो सबसे पहले उसको क्या कर दो, पूरा का पूरा कॉपी कर दो, उसके बाद यहाँ पे एक्स को सॉल्व करो, एक्स में क्या है, सबसे पहले एक्स पावर ऑफ माइनस टू है तो माइनस टू आगे आ जाएगा, उसके बाद कैसे होगा, माइनस टू माइनस वन, यानी एन माइनस वन, यानी माइनस टू माइनस वन, क्लियर है। अगर मान लो ऐसे लिखा होता है जैसे फोर एक्स पावर ऑफ थ्री, तो क्या होता है, थ्री प्लस वन हो जाता ना, क्लियर है, सॉरी थ्री माइनस वन हो जाता ना, तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, क्या हो जाता,
थ्री माइनस वन, तो मैंने वही किया, बस यहाँ पे जो माइनस टू था वो मैंने माइनस कर दिया, क्लियर है? तो ये याद रखना है कि ऐसे सॉल्यूशन होगा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा माइनस एट, क्लियर है, इनटू एक्स माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, क्लियर है? अब ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अब चेक करो क्या कहीं क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इट मींस इसको अभी थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये जो मैंने माइनस में लिखा है ना, इसको सॉल्व करके नीचे डिवाइड में ला दो तो हो जाएगा प्लस में, यानी x 8 डिवाइडेड बाय x पावर ऑफ 3, क्लियर है? थोड़ा ये याद रखना, पहले अगर चेक कर लो, अगर इतने ही आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ये जो मैंने माइनस में लिखा है ना उसको क्या कर देना है, प्लस में। जैसे कि यहाँ पे जब प्लस में था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस में कर दिया, वैसे माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर देना, क्लियर है? तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर था 4, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ओके? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय x पावर ऑफ 3, लेकिन 8 जो है वो क्या है, माइनस में, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में पूछा है, इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब पूछा है u एंड v आर टू फंक्शंस, u एंड v आर टू फंक्शंस, तो डेरिवेटिव क्या होगा? तो सिंपल सा याद रखना, कैसे सॉल्व करना होगा, यहाँ पे बोर्ड पे मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे देखो, u है और v है, तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव लिखो। क्या कहा मैंने, सबसे पहले u का डेरिवेटिव लिखो, तो ये होता है डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स, और v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स, क्लियर है? यानी जो ऊपर लिखा रहता है उसको वैसे लिख देना होता है डी के साथ, और डिवाइड बाय डी एक्स कर देना होता है, ये हो जाएगा डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे पूछा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और जब प्रोडक्ट में दिया हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, क्लियर है? अब कैसे लिखोगे, तो याद रखना पहले यू लिखो फिर वी का डेरिवेटिव, मतलब यू के साथ वी का डेरिवेटिव और वी के साथ यू का डेरिवेटिव, क्लियर है? पहले लिखोगे यू फिर वी का डेरिवेटिव, वी का डेरिवेटिव क्या, डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स, और बीच में क्या हो जाएगा प्लस, और फिर मैंने क्या बोला यू लिखा तो यहाँ पे क्या होगा वी, और वी के साथ यू का डेरिवेटिव, यानी डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स, क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम लोगों का सॉल्यूशन। अब ये चेक करो ये कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो यू इंटू डी वी, यू इंटू डी वी, यानी ये वाला कैंसिल, यू इंटू डी वी ये माइनस में, तो ये वाला भी कैंसिल, ये तो है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है? यहाँ पे देखो लिखा ना u इंटू डी वी और v इंटू डी यू, क्लियर है? तो याद रखना ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव u डिवाइडेड बाय v। अब u डिवाइडेड बाय v बोला है तो सबसे पहले सेम वही करो, u और v का डेरिवेटिव निकाल लो, तो यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ इसको, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, u का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम वही डी यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये जो है ना आ गया, सॉरी, इसका जो है सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये याद रखना, u का डेरिवेटिव क्या होगा, डी यू डिवाइडेड बाई टी एक्स, और v का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वी डिवाइडेड बाई टी एक्स, इतना क्लियर है, समझ में आया? अब क्या करना है, अब जैसे क्वेश्चन में बोला है क्लियरली उसी चीज को कॉपी करते हैं। सबसे पहले क्या है, u है तो पहले u लिखो, u है तो v का डेरिवेटिव, क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कैसे होगा, ये यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, v डिवाइडेड बाई u, क्या लिखा हुआ है, v डिवाइडेड बाई u, याद रखना v डिवाइडेड बाई u पूछा है, u डिवाइडेड बाई v नहीं पूछा है। हम लोगों को बुक में देखोगे तो ज्यादातर u डिवाइडेड बाई v लिखा है, दैट्स व्हाई स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख के रॉन्ग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या पूछा है वो देखना जरूरी है। यहाँ पे पूछा है v डिवाइडेड बाई u, क्या पूछा है, v डिवाइडेड बाई u, तो याद रखना है कि जो क्वेश्चन जैसा पूछा हमें वैसा सॉल्व करना पड़ता है। तो कैसे लिखोगे, जो डिवाइड में होता है, याद रखना जो डिवाइड में होता है, सबसे पहले उसको डिवाइड में लिख के यहाँ पे यू स्क्वायर कर दो, तो यू स्क्वायर किसमें है, इसमें है, यानी ये हो सकता है और ये हो सकता है, बाकी दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए, क्लियर है? ध्यान से सुनना, जैसे बता रहा हूँ वैसा सुनना, मजा आएगा। अब उसके बाद जब v डिवाइडेड बाय u है तो यहाँ पे होता है माइनस, याद रखना जब डिवाइड वाला हो तो क्या होगा, माइनस, प्रोडक्ट वाला हो तो प्लस, तो इस दोनों में से कौन सा माइनस में है, तो इन दोनों में से ये वाला माइनस माने हमारा आंसर हो जाएगा ये, यानी ये वैसे ही कैंसिल हो गया। इट मींस देखो बिना फॉर्मूला लिखे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन समझना जरूरी है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे जो डिवाइड में होता है ना, यानी u डिवाइड में है तो पहले u का लिखना है, क्लियर है? u लिखा तो डेरिवेटिव किसका, v का, यानी dv डिवाइडेड बाय dx, उसके बाद माइनस होगा फिर v और डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी वी लिखा तो यू का डेरिवेटिव, यू लिखा तो वी का डेरिवेटिव। अब याद कैसे रखोगे, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ लेता यू डिवाइडेड बाई वी, तो डिवाइड में वी स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर पहले यू आएगा, फिर यू लिखा तो वी का डेरिवेटिव, और फिर यू लिखा तो सॉरी यू वी लिखा तो यू का डेरिवेटिव, और यू लिखा तो वी का डेरिवेटिव, क्लियर है? यानी जो नीचे होगा वो पहले होगा, बात खत्म, क्लियर है? तो ये शॉर्टकट याद रखना है, ओके? इसको मैं रख कर देता हूँ ताकि कोई
ज्यादा माथा पच्ची ना दिखे इसमें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट एट एक्स इज इक्वल टू ए देन विच इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग, तो मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ कुछ चीजें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ठीक है। अब याद क्या रखना है, जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा हो इंक्रीजिंग, जब भी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा हो इंक्रीजिंग, क्लियर है मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या याद रखना है वो समझो, यहां से सुनना भी, यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, ठीक है, दो बातें मैं बता रहा हूँ। पहला मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग, जब इंक्रीजिंग वर्ड लिखा हो, यानी इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए, तब याद क्या रखना है, तब यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। जब दूसरा दूसरा है डिक्रीजिंग, जब डिक्रीजिंग लिखा होगा तब क्या होगा, डिक्रीजिंग लिखा हो तो सेम हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए लेस देन जीरो, क्लियर है। ये वाला जो पॉइंट है वो किसके लिए, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी ये उसके लिए है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बस वहां पे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग के बदले डिक्रीजिंग कर देना, क्लियर है। तो अब ये पूछा है इंक्रीजिंग वाला, तो इंक्रीजिंग वाले में ग्रेटर देन बोला है, राइट, ग्रेटर देन और एफ डैश है, तो सबसे ग्रेटर देन बोला है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और लेस देन वाला कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब बचे दो, तो यहाँ पे एफ डैश है तो ये डबल डैश वाला भी कैंसिल, यानी बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर टू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर टू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब बोला है मिनिमम के लिए क्या होगा, कौन सा ये फंक्शन के लिए सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी ए मिनिमम, याद रखना ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, और मिनिमम और मैक्सिमम वाला अलग है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वाला क्या है वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले याद रखना है दो है, एक है मिनिमम, अरे मिनिमम नहीं, मिनिमम एक सेकेंड, हाँ एक है मिनिमम और दूसरा है मैक्सिमम, क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम के लिए, तो मिनिमम के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, क्या एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ जो इज इक्वल टू जीरो वाला होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शंस तो पहले से ही कैंसिल हो गए, क्लियर है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, देखो मिनिमम के लिए पूछा है, तो मिनिमम इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये दो पॉइंट वैसे कैंसिल हो गए। अब दूसरा इसमें क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे दो लिखा है ना डैश करके, दूसरा कंडीशन होता है ये तो एक डैश था, यानी दूसरा यानी डबल डेरिवेटिव वाला, तो एफ डबल डैश ए, अब यहाँ पर क्या होगा लेस देन या ग्रेटर देन, तो याद रखना जब मिनिमम बोला हो तो ग्रेटर देन होगा, सॉरी हाँ जब मिनिमम बोला हो तो क्या होगा ग्रेटर देन होगा, क्लियर है। और जब मैक्सिमम बोला हो तो सेम ये होगा, यानी एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, एफ डबल डैश ए यहाँ पे मैक्सिमम है तो क्या हो जाएगा ये लेस देन हो जाएगा, क्लियर है। यही दो पॉइंट पे फोकस करना है, कौन से दो पॉइंट पे फोकस करना है, पहला पॉइंट ये है कि जब मिनिमम वर्ड यूज किया हो तो ग्रेटर देन होगा, और जब मैक्सिमम वर्ड यूज किया हो तो लेस देन होगा, क्लियर है। ये दो वर्ड पे फोकस करना है, कौन से दो वर्ड पे, मिनिमम के लिए क्या वर्ड यूज किया है और मैक्सिमम के लिए क्या वर्ड यूज किया, ठीक है। तो ये दोनों को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, मिनिमम था, तो मिनिमम का मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ग्रेटर देन किसमें है तो वो चेक कर लो, तो ग्रेटर देन किसमें है, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, बचा ये दोनों, इसमें दोनों में इक्वल इक्वल है, तो इसमें लेस देन इसमें ग्रेटर देन, यानी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। हम लोगों का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं इसको ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पूछा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताऊं, उसके पहले मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ी लेंदी होने वाली है और यही है इस क्लास का मेन मोटिव कि ये तुम्हें एक्सप्लेन करके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए रेडी करना। तो क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें कई सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, जो आपका लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर एफ में से, राइट। तो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो लिखा रहता है मार्जिनल इनकम, ध्यान से सुनना, मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट, दो क्वेश्चन आता है, एक मार्जिनल इनकम का आता है और एक मार्जिनल कॉस्ट का आता है, क्लियर है।
और मार्जिनल इनकम को ही हम बोल सकते हैं रेवेन्यू, क्या बोल सकते हैं रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों का मतलब सेम होता है। और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कैसे सॉल्व करोगे, तो वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसका जो मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके को नोट कर लेना, ये तुम्हें बहुत काम आएगा। सबसे पहले फाइंड आउट करोगे रेवेन्यू, क्या फाइंड आउट करोगे रेवेन्यू। अब पूछोगे सर रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू यानी आर इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स होता है, सॉरी पी इंटू एक्स होता है, क्या होता है पी इंटू एक्स। अब पूछोगे सर ये पी क्या है, तो पी नॉर्मली किताब में लिखा रहेगा, जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसमें लिखा रहेगा डिमांड फंक्शन, क्या लिखा रहेगा डिमांड फंक्शन, क्लियर है, ये याद रखना है। और ये जो एक्स होता है वो नॉर्मली तुम्हें डायरेक्टली ऐसे लिख देना होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रेवेन्यू है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डी आर डिवाइडेड बाय डी एक्स, मैंने क्या बोला डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया। फिर क्या होगा, जो वैल्यू आएगा उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि डेरिवेटिव निकालने पे यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर में हमें क्या कर देना है, एक्स की वैल्यू कर देना है, एक्स की वैल्यू, समझ में आया। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या था। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल कॉस्ट का कैसे करना होगा, मार्जिनल कॉस्ट का सेम होगा, क्लियर है, सेम कैसे होगा, यानी यही वाला स्टेप फॉलो कर देना है कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का जब निकालना है, तो मार्जिनल कॉस्ट का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव सॉल्व कर लेना है, उसके बाद जो वैल्यूज आएगी यानी जो आंसर आएगा उसमें क्या कर देना है, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू, क्लियर है इतना। तो ये हो गया तुम्हारा मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब जैसा मैंने ये स्टेप लिखवाया है, ये स्टेप को तुम क्वेश्चंस में लिख के चेक कर सकते हो कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम इसको लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बस ये चेक करना है क्वेश्चन में ऐसे वर्ड लिखा होना चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, ये वर्ड होना चाहिए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्चुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है चेंजेस इन परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्शन जो अपोजिट होता है, दैट्स व्हाई हम इसको माइनस कर देते। अब इसका टोटल कैसे सॉल्यूशन करना होता है वो थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे माइनस पी डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी पी, क्या लिखेंगे पी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी पी। मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव इधर होगा और इसका डेरिवेटिव इधर, सॉरी उल्टा कर दिया, अपोजिट होते दोनों डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये अपोजिट डेरिवेटिव होता है, तो अपोजिट डेरिवेटिव को सॉल्व करना। अभी थोड़ा एक बात ध्यान से समझो, पी का मतलब क्या था, डिमांड फंक्शन, राइट। और जो डिमांड फंक्शन होगा बेसिकली वो तुम्हें दिया होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें डेरिवेटिव सॉल्व करना है, और डेरिवेटिव निकालने के बाद ये ऊपर वाली फॉर्मूला, यानी ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, क्लियर है। और अगर पी होगा तो कैसे भी करके हमें एक्स फाइंड आउट करना है, यानी पी होगा तो कैसे भी, जैसे एग्जाम में क्या होता है कभी कभी, है ना, कि वैल्यूज चेंज कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, ओके। इसका एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आपको क्या होगा थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ना लास्ट में है तो मैं सीधा लास्ट में चलता हूँ ना, आंसर शीट पे आ गया। ये क्या है मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, ये क्या है फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आ गया देखो ना, फाइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया कि नहीं। अब इसमें देखो क्या करना है, जैसा मैं बोला वैसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने फॉर्मूला बताया दो सॉल्यूशन ना, हाँ चलो पहले ये वाला इजी वाला बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी ऑफ एक्स, सॉरी माइनस पी डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय डी पी, ये होता है। अब क्वेश्चन में एक बार चेक करो, तो क्वेश्चन में क्या पी की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखा है एक्स लिख के दिया हुआ है, राइट। एक्स इज इक्वल टू पी 50 माइनस 4p, इट मींस मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, किसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, इस एक्स का जो भी हमें दिया होगा, यानी कि अगर एक्स दिया होगा तो एक्स का डेरिवेटिव, और पी दिया होगा तो पी का डेरिवेटिव, क्लियर है इतना। यानी कि यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ कि
वैल्यू में, यानी क्वेश्चंस में अगर एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव, एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव, और पी होगा तो उसका डेरिवेटिव। क्लियर है इतना? यानी ये वैल्यू देखो, एक्स वाली वैल्यू यहां पे रख देनी है और P वाली वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। तो एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कौन सा वैल्यू है। तो ये x दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव सॉल्व किया, तो डेरिवेटिव कितना आया, माइनस फोर आया। फिर इन लोगों ने क्या किया, P डिवाइडेड बाय x डी इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय डी पी। अभी यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा इन लोगों ने डेरिवेटिव सॉल्व किया डी एक्स डिवाइडेड बाय डी पी। कैसे, ये x का डेरिवेटिव सॉल्व किया है, x का डेरिवेटिव सॉल्व किया है, इसीलिए देखो इसको लिखा है माइनस फोर। यहां से सुनना, किसका डेरिवेटिव सॉल्व किया है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी पी, उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने यहाँ पे वैल्यू रखा है। बात समझ में आया? और उसके बाद पी का वैल्यू दिया नहीं था, एक्स का वैल्यू दिया था तो वो रख लिया, और ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। उसके बाद जो वैल्यू होगी वो पुट कर दो, सॉल्यूशन क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पी करके दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पी पी इज इक्वल टू 12 माइनस रूट एक्स। तो सबसे पहले क्या करो, इसका तुम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इसका क्या कर लो, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो। अभी ध्यान से सुना, ये पी है, ये क्या है, पी है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कैसे लिखो, डी पी डिवाइडेड बाय डी एक्स। क्लियर है, क्योंकि मेन पी है यहाँ पे। तो जब ऐसा लिखो, लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो क्या है, हमारे फॉर्मूले में तो डी एक्स डिवाइडेड बाय डी पी है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा कैसे करोगे वो ध्यान से सुनो। अब सॉल्यूशन किया, ये आंसर आया ये, राइट, ये किसका आंसर है, डी पी डिवाइडेड बाय डी एक्स। क्लियर है, अपने को क्या चाहिए, डी एक्स डिवाइडेड बाय डी पी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू माइनस वन इज इक्वल टू डी पी इंटू डी पी इंटू टू रूट एक्स। क्लियर है, अब फॉर्मूला क्या है, ये x के डिवाइड में आ जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है, तो सॉल्यूशन क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया डी एक्स डिवाइडेड बाई डी पी इज इक्वल टू माइनस रूट टू एक्स। बात समझ में आया, क्लियर है ये कैसे हो गया। हालांकि यहाँ पे इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, बट ये एक्सप्लेनेशन कभी कभी कंफ्यूज कर देगा, दैट्स व्हाई मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताया। क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताया, कि अपने को जो फॉर्मूला में चाहिए हमें वही चेक करना है। क्लियर है, फिर जो पी की वैल्यू होगी तो पी में रख दो, और एक्स की वैल्यू होगी तो एक्स में रख दो। यहाँ पे किसका वैल्यू दिया था, पी का, तो पी का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मैंने डेरिवेटिव लिखा, डेरिवेटिव को नहीं कट कर, डेरिवेटिव नहीं लिखते हैं यहाँ पे, मैं डायरेक्टली लिखा एक्स होगा एक्स की वैल्यू में, पी होगा तो पी की वैल्यू में, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स होगा तो एक्स की वैल्यू यानी डेरिवेटिव में, अरे डेरिवेटिव बोला डिवाइड वाले में, तो डिनोमिनेटर लिख देना सीधा सा, डिनो यानी डिनोमिनेटर। क्लियर है, और अगर p होगा तो p की वैल्यू में, यानी कि न्यूमरेटर में। क्लियर है, ये याद रखना है, बात समझ में आया। और कैसे भी करके हमें फॉर्मूला में ये ही वाली वैल्यू चाहिए, तो उसको तुम लोग कन्वर्ट कर देना। क्लियर है, और कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। फिर जो आंसर आएगा उसमें जो वैल्यू दिया होगा वो पुट कर देना, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन प्राइस इज 9, प्राइस इज 9 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे जो एक्स है उसकी जगह पे क्या रख दो, 9 रख दो। क्लियर है, तो यहाँ पे याद रखना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो भी आएगा उस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, यानी कि आंसर एक्स की वैल्यू रख देना। बात समझ में आया, तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला, वो क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, और मैंने क्लियरली समझा भी दिया है लिख के पूरा। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका नंबर थर्ड है मिनिमाइजिंग एक मिनट, मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या है नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा ध्यान से समझना। यानी याद रखना है प्रोडक्शन कॉस्ट करके लिखा होगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कॉस्ट को हम कैसे दर्शाते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ये थोड़ा याद रखना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर वन, सबसे पहले ये है ना, जो भी पॉइंट दिया उसका क्या करोगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। क्या करोगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। क्लियर है, सबसे पहले जो भी दिया उसका डेरिवेटिव फाइंड करो। उसके बाद नंबर टू में क्या करोगे, जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, कॉस्ट का, तो डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू करके जीरो लिखोगे। क्या करोगे, डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स करके जीरो लिखोगे। फिर इसको लिखने पे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू। क्लियर है, तो ये याद रखना, ऐसा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें एक्स की वैल्यू। बात समझ में आया, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या करना है, यानी कि ये जो डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था फर्स्ट वाला, उसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी और डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर।
है, यानी इसको याद रखना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव, क्लियर है। इतना सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या करना है, उस सॉल्यूशन में एक्स की वैल्यू रखनी है, क्या करनी है, एक्स की वैल्यू रखनी है, क्लियर है। क्या करना है उस सॉल्यूशन में, एक्स की वैल्यू रखनी है, बात समझ में आया। और जब एक्स की वैल्यू अगर नहीं रख पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, मतलब जैसे मान लो डायरेक्टली 20 आ गया तो कहां से वैल्यू रखो, तो मत रखो, बस ये चेक करना है कि क्या डी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, मतलब कैसा है, यानी जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए आंसर, ग्रेटर देन जीरो। और अगर ग्रेटर देन जीरो होगा इसका मतलब जो है हमारा कॉस्ट क्या हो गया, मिनिमम हो गया, क्लियर है। अब एक बात याद रखना, जब भी मिनिमम कॉस्ट होगा तो क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन होगा, क्लियर है, और मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मीन होगा तो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और मैक्स होगा तो क्या होगा, लेस देन होगा, क्लियर है। ये तुम्हें फंडा है, काम आने वाला है। अभी एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट है और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, यानी दोनों का दोनों साथ में हो जाएगा, मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, सेम टू सेम है, बस यहाँ पे डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड आउट करना, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना है रेवेन्यू, क्योंकि अपने को मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू करना, तो अपने को रेवेन्यू पहले पता नहीं, तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू एक्स होता है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर भी चेक किया था, देखो पी ऑफ एक्स लिखा था कि नहीं, मतलब रेवेन्यू जो पी ऑफ एक्स होता है ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में इसका डेरिवेटिव यानी डी आर डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्लियर है। उसके बाद थर्ड में सेम टू सेम, देखो यहाँ पे ना डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, उसके बाद वैल्यू इज इक्वल टू जीरो कर, यानी डी आर डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर क्या मिलेगा, वही सेम एक्स की वैल्यू मिलेगी। फिर क्या करना है नंबर फोर में, यानी नंबर फोर में सेम टू सेम डबल डेरिवेटिव, यानी डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है, इतना कर दो। उसके बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी, यानी पूरा का पूरा फिर डिट्टो डिट्टो कॉपी, बात समझ में आया। यानी कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों का दोनों वे सेम है, बस याद क्या रखना है, यहाँ पे मिनिमाइजिंग द कॉस्ट है, यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू है। दूसरा याद ये रखना है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर वो आएगा लेस देन जीरो, क्लियर है, बस ये याद रखना है। यानी जो आंसर होगा वो नॉर्मली माइनस में आ जाएगा, बात समझ में आया, क्लियर है। अगर देखना चाहो तो कोई भी क्वेश्चन में ये ट्राई करके चेक कर सकते हो, क्लियर है। अगर ऐसा है तो मैं दिखा भी देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स ओके, कॉस्ट वाला ही दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो बोला है ना कि मिनिमम कॉस्ट, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट भी बोल दिया है, वैसे बोला है कि हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मिनिमम कॉस्ट, और लास्ट में बोल दिया मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो तरीका मैंने बोला वही, सबसे पहले जो सी है कॉस्ट दिया उसका डेरिवेटिव नंबर वन, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी जो स्टेप्स मैंने लिखवाए उस स्टेप्स को फॉलो करते जाओ और उसी को देखते जाओ ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे बाजू में देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, ये जो वैल्यू दिया हुआ था ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू दिया था इसका डेरिवेटिव फाइंड किया नंबर वन। फिर यहाँ पे नंबर टू में क्या लिखा था, डी सी डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ पे नंबर टू में क्या लिखा है इज इक्वल टू जीरो करके फाइंड किया, तो यहाँ पे क्या मिला, एक्स की वैल्यू मिल गई, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड कर, नंबर थ्री में क्या क्या, डी स्क्वायर डिवाइड बाई सी डी एक्स स्क्वायर, ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, अब पूछो ये कहाँ से आया, तो ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ओके। और वही मैंने बोला जो फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट किया था उसी का डेरिवेटिव। फिर क्या चेक किया, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू में एक्स की वैल्यू रखना, तो एक्स की वैल्यू रखना पॉसिबल ही नहीं क्योंकि डायरेक्टली 20 दे दिया है। अब इस 20 को चेक करो, ये क्या है, ये जो 20 है वो ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इसी जगह पर तुम्हारा जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्लियर है। और एक्स का आंसर कितना आया है, 50 आया है, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्लियर है। ये आंसर नहीं होता है, ये जो एक्स की वैल्यू होती है वो आंसर होता है, बस ये याद रखना है। अब इसमें बोला था फाइंड आउट करना है मिनिमम कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है, यानी जो ऊपर हमें दिया हुआ था ना कॉस्ट, उसमें ही वैल्यू पुट कर देना है, कौन सा, ये वाला, ये जो क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन में ही वैल्यू को पुट कर देना होता है, बात समझ में आया, क्लियर है। और इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सेम वे में सॉल्व करना होता है, तो एक बार जरूर देख लेना, क्लियर है इतना। तो ये जो टॉपिक्स है जो मैंने बताया इनको थोड़ा ध्यान से देखना, और इनका जो तरीका है वो सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई भी तरीका इसमें चेंज नहीं होता है,
क्लियर है। और एक और बचा है वो है मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, ये था मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन, ये था मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू, मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू था और वो कौन सा था, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो ये मैं बाजू में ही लिख देता हूँ, थोड़ा गंदा लगेगा, रहने दो यार, सब कंजेस्टेड हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा यार। चलो नीचे लिख देता हूँ नंबर 5, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, यानी प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, क्या होगा, आर माइनस सी, यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, क्लियर है। उसके बाद जो आएगा यानी मतलब जो भी इसका आंसर होगा उसका क्या करना है, डेरिवेटिव, यानी डी पी डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्लियर है। फिर थर्ड वाले में सेम वही डी पी डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो करो और फिर जो आएगा वो उसमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू मिलेगी। यानी देखो सेम टू सेम है कि नहीं, इसलिए मैंने बोला कि तीन के तीन क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम होते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। उसके बाद नंबर 4 में क्या करना है, नंबर 4 में फाइंड आउट करना है डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी पी और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और उसके बाद जो भी आएगा उसमें एक्स की वैल्यू रख देना और यहाँ पे चेक कर लेना है कि डी स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन जीरो। अब ये लेस देन जीरो फिर से कैसे होगा, लेस देन जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया मैक्सिमम और मैंने ऑलरेडी बता दिया मैक्सिमम वर्ड होगा मतलब लेस देन होगा, क्लियर है। तो ये कुछ फॉर्मुलाज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आपके लास्ट में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी देखो नंबर मेंशन है 33, यानी 33 जो जहां से स्टार्ट है वहां से लेके एंड तक का सारा क्वेश्चन सेम फॉर्मूला में पुट करके चेक कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा जो 2 एमसीक्यू बचा उसको भी खत्म करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैं क्या बताया था, पी डिवाइडेड बाय एक्स और इसका डेरिवेटिव नीचे, इसका डेरिवेटिव ऊपर, मतलब डेरिवेटिव मतलब इसका ऐसे डी एक्स और यहाँ पे डी पी, क्लियर है। और बस यहाँ पे माइनस होगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देख लो, अगला क्वेश्चन वो दिया व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रेवेन्यू आर टू बी मैक्सिमम, रेवेन्यू आर टू बी मैक्सिमम बोला ना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब होगा पहले तो मैक्सिमम मतलब लेस देन, यानी ये कैंसल, क्लियर है। अब बचा ये दोनों, अब उसमें ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, पर इन दोनों को ध्यान से देखो, हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा, हमने उल्टा देखा, इज इक्वल टू जीरो करना होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। इट मींस कि अगर आप उन चीजों को ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शंस में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जो भी चीजें मैंने बताई है वो एमसीक्यूज में भी काम आएगा और क्वेश्चंस में भी काम आएगा और इस तरह से हमारा पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का एमसीक्यू का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होता है। थोड़ा लेंदी क्लास है, बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, आई नो दैट, बट आपके बेनिफिट के लिए है, तो मैं उम्मीद करूंगा इस क्लास को अच्छे से देखना, पूरी क्लास को, पूरा वीडियो 2-2.5 घंटे का वीडियो है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके कैसे भी करके खत्म कर देना, क्योंकि 20 मार्क्स है। अकाउंट का पेपर देके आए हो, तुमको आइडिया होगा कि कैसा पेपर गया है और क्या चीजें हैं, एमसीक्यूज कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और बाकी जो चीजें लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो आप करते ही रहना, उम्मीद है वो करते ही रहोगे, हमेशा सपोर्ट बनाए रखोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लास्ट इन एग्जामिनेशन, ब्लास्ट मतलब अच्छे से लिखना, ठीक है। चलो बाय।